बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है इक्विलिब्रिया का। और यकीन माने, यकीन माने, जब मैं कहता हूँ ना यकीन माने, तो यकीन माने कि इससे आसान चैप्टर तो कोई शायद ना हो। आसान इस सेंस में नहीं है कि भाई के बड़ी भी आसान है और ब्ला ब्ला ब्ला, झूठे वादे तो मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर की खास बात यह है कि एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, अगर आसान नहीं भी होगा ना तो ये इतना इंटरेस्टिंग होगा कि आपको ऐसे ही आसान लगेगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है वो आगे चलते हैं, और एज यूजुअल जो है ये हम सिलेबस को देखते हैं, ऐसे सिलेबस को आप जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला, आपने गो थ्रू कर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपका जो चैप्टर का नाम है वो इक्विलिब्रिया है, ठीक है। अब आपने एएस में भी इक्विलिब्रिया किया था, एएस की इक्विलिब्रिया में आपने क्या किया था, आपने इक्विलिब्रिया लॉस पढ़े थे, और वो कौन से थे, केसी केपी, ठीक है, केसी बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, केपी बेस्ड ऑन पार्शियल प्रेशर। अब इस साल ए टू में जब आप बड़े हो गए हैं थोड़े से, और आप काफी और लॉस पढ़ती हैं, जैसे कि आप के डब्ल्यू पढ़ेंगे, के पी सी पढ़ेंगे, के एस पी पढ़ेंगे, ठीक है, इसको छोड़ दें ऐसे, ठीक है। तो आप और बहुत सारे लॉस जो है वो इस साल जो है वो पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये एक टेबल है। अच्छा जी, इस टेबल से स्टार्ट करते हैं। बेटा आपने शुरू में जब से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, और जब से आपका इवन केमिस्ट्री क्या आपका जब पहली क्लास 5 6 में साइंस के सब्जेक्ट से पाला पड़ा है, तो आपने हमेशा एक वर्ड सुना होगा, पीएच, ठीक है। अब वो पीएच क्या है बेटा, आपने उस वक्त अपनी उस किताबों में भी पढ़ा था कि जो पीएच है इट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये मैं एएस में भी बताता हूँ बच्चों को, मैं ओ लेवल्स में भी बताता हूँ, मैं अब ए टू में बताता हूँ कि बेटा ये सरासर गलत डेफिनेशन है, पीएच इज नॉट द पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच क्या है, पीएच इज मेजर ऑफ एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। कभी भी ये ना लिखें पावर ऑफ हाइड्रोजन है, ये किसी पुरानी बुक में बस किसी ने पावर ऑफ हाइड्रोजन को लिखा गया, वो बच्चों ने बस पढ़ लिया, टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने भी कहा कि जी पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, और बस बल मुक गई, ठीक है। तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, पीएच जब आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि जो पीएच स्केल होता है वो 1 से 14 होता है, ठीक है, और 1 से 7 6, और 7 8 से 14, आपने पढ़ा कि 1 से 6 जो है वो एसिड के लिए होता है, 8 से 14 एल्कलाइन के लिए होता है, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब वो कोई जिस चीज की पीएच 6 के क्लोज है वो ज्यादा एसिड एसिडिक होगा, या 1 के क्लोज है वो ज्यादा एसिडिक होगा, जिसकी 1 के क्लोज है, शाबाश। और सिमिलरली जिसकी 14 के क्लोज है एल्कलाइनिक पीएच, वो ज्यादा एल्कलाइन, ठीक है। इसी तरह हमने कहा था कि भाई कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी जो पीएच होगी वो 1 2 या 3 होगी, ठीक है, और जो वीक एसिड है उसकी पीएच होगी वो 5 5 तक होगी, अराउंड 5 होगी, ठीक है। तो ये चीज होगी। अच्छा जी, पीएच की एक और जो बात आती है यहाँ पे वो ये है कि पीएच जो है उस अच्छा, एक सेकेंड छोड़, एक एसिड है आपके पास, कोई भी एसिड है, ठीक है, एक्स एसिड है। एसिड में क्या खूबी होती है कि वो एच पॉजिटिव आयंस देता है। अच्छा, एसिड में एच पॉजिटिव आयंस होती हैं, एल्कलाई या बेस में ओ एच नेगेटिव आयंस होती हैं। अब एसिड जो होगा जिसमें एच पॉजिटिव आयंस है उसमें ओ एच नेगेटिव आयंस होंगे। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, होंगे, मगर कम होंगे, ठीक है, उनकी क्वांटिटी जो है वो बहुत कम होगी, ठीक है, ओ एच नेगेटिव आयंस एसिड में। और एल्कलाइन में ओ एच नेगेटिव भी होंगे और एच पॉजिटिव भी होंगे, लेकिन एल्कलाई में
OH नेगेटिव ज्यादा होंगे और H पॉजिटिव बहुत कम। ठीक है, इसी तरह हम अब इस टेबल पर आते हैं। ये टेबल ये है कि देखो, अगर आपके पास pH 1 है, ठीक है, तो H पॉजिटिव जो होगा 10^-1 होगा और OH नेगेटिव 10^-14 होगा। ठीक है, समझ आएगी। इस अगर pH 2 है तो ये 10^-2 और ये 10^-12। ठीक है, अगर pH मैं कह दूं 7 कर दिया मैंने, तो 10^-7, 10^-7। 7 न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि H पॉजिटिव भी सेम है और OH नेगेटिव भी सेम है। ठीक है, ये मैंने इधर जो है इसको यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, मैं pH 9 कर दूं तो 10^-9, 10^-5। pH 13 कर दूं और फिर 14 कर, 10^-13, 10^-1, 10^-14 और फिर 10^-0। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं ये हमें बताती क्या है, ये चीज क्या बताती है, सॉरी, हाँ ये क्या कर दिया, ये दो जो चीज है वो ये हमें ये बताती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इज मोर देन ओ एच नेगेटिव। ठीक है, और ये जो 7 pH वाली है ये हमें ये बताती है कि एच पॉजिटिव इज इक्वल टू ओ एच नेगेटिव। ठीक है, और ये जो आखिरी 3 है ये हमें ये बताती है कि ओ एच नेगेटिव जो है वो ज्यादा है एच पॉजिटिव से। ठीक है, अंडरस्टूड, हो गया। अच्छा जी, अब बात आती है कि अगर आपने pH फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, बेटा आपके पास pH है। pH फाइंड करने के दो तरीके हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव। ठीक है, समझ आ गई, ये फॉर्मूला है ना, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव। ठीक, अगर आपके पास एच पॉजिटिव है, एक आपके पास एच पॉजिटिव की जो वो है वो 10^-1 है, तो माइनस लॉग 10^-1 क्या होता है, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये देख लें, लॉग लॉग क्या है, कैलकुलेटर है ना आपके पास, ये क्या है बेटा, लॉग, ये लॉग है ना। अच्छा जी, अच्छा जी, एक और अब चीज ये आपने लिख लिया, मैं रेस करना, बस रेस हो गया बेटा। जब आप, मैंने कहा कि आपके पास एच पॉजिटिव है 10^-1, पीएच आपने निकाल ली 1, माइनस लॉग 10^-1, pH 1 आ गया आपके पास। ठीक है, ये हमें एक और फॉर्मूला देता है, वो ये है कि एच पॉजिटिव 10^-pH। ठीक है, अंडरस्टूड, और ये जो है ये आपको मैंने बता दिया कि लॉग जो है कैलकुलेटर में यहाँ होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि जो पीएच है वो माइनस लॉग एच पॉजिटिव है, तो पीओएच क्या होगा, माइनस लॉग ओएच नेगेटिव। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं जो आप याद कर लें। अच्छा जी, ठीक है, अब ये आपके पास तो लॉग था, लॉग इनवर्स कैसे आप निकालोगे, ये आपके पास शिफ्ट है और ये आपके पास लॉग है, शिफ्ट लॉग दबाओगे तो लॉग इनवर्स आ जाए। ठीक,
ये मैंने अभी बता दिया, आगे आएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। वो एक्सरसाइज ही जो बाहर पार्क में होती है, मैथमेट इधर वाली एक्सरसाइज। ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये पैटर्न हम जो है वो फॉलो करेंगे और थोड़े से इसके मुताबिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जी इसको लिखिए प्लीज। नहीं, लॉग इनवर्स को भी आपको बताते हैं। मैं बताऊं, ये भी आप लिखिए आगे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा देखिए, आपने पहली जो चीज है वो है कि फाइंड पीएच एंड कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इज गिवन। जी करिए, पीएच फाइंड करें, अगर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव जो है वो गिवन, फाइंड करें। मैं अपना कैलकुलेटर निकालूं। जी करिए प्लीज, बिस्मिल्लाह करें। सोच किस बात की, रिश्ता नहीं आया जो आप सोच रही। जी देखिए ना, जिन्होंने करना है उन्होंने कर भी दिया। पीएच का हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, माइनस लॉग एच पॉजिटिव माइनस लॉग 0.1। क्या आंसर आता है, 1। ठीक है, 1 आ गया सबका, 1 ही आता है। अच्छा जी, अब आप फाइंड करें, इधर ही बता देता हूँ। फाइंड पीएच व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव 0.25। तो पीएच जो है वो माइनस लॉग 0.25 हो जाएगी। जी 0.6 आ गई सबकी, चलें गुड हो गया। अब मैं क्या आपको इसी किस्म के ढेर सारे क्वेश्चंस करवा तो सकता हूँ, बट टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, तो हम आगे चलते हैं। और जो अगला पार्ट है इसका, फाइंड एच पॉजिटिव इफ पीएच इज गिवन, वो फाइंड करें। तो जी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव फाइंड करें अगर पीएच के बने। ठीक, जी करिए आप पहले, करिए फिर मैं आप। जल्दी 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 बेटा। जी तो बच हो गया बेटा, जल्दी करें। 137 स्लाइड, 137 स्लाइड, ठीक है, 150 स्लाइड्स बनेंगी ना, लंबा।
अच्छा जी, हमने बताया था कि पी एच जो होता है वो माइनस लॉग एच पॉजिटिव होता है, तो पी एच आपके पास 0.20 है, माइनस लॉग एच पॉजिटिव फाइंड करना है, तो एच पॉजिटिव जो है वो लॉग इनवर्स 0.2 है, तो एच इनवर्स क्या आता है, लॉग इनवर्स का मैंने बता दिया था कि शिफ्ट लॉग प्रेस करें तो एक 10 रेज टू पावर एक डब्बा आएगा आपके उसके ऊपर, तो ये भी लॉग इनवर्स ही है, लॉग -1 नहीं आएगा, तो आपने उस डब्बे में 0.2 लिखना है, नहीं 0.2 नहीं लिखना, -0.2 लिखना, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.63 है, तो एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 0.63 आती है, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको एक और मेथड भी बताया था कि एच पॉजिटिव इक्वल्स टू 10 रेज पर माइनस pH, बताया था ना, आपकी मर्जी के आप किससे करें, ठीक, दोनों ये जब आप दोनों कैलकुलेटर में पुट करें तो ये चीज और ये चीज दोनों जो है ये लॉग इनवर्स ही है, ठीक है, आप कैलकुलेटर में खाली सादा 10 रेज पर माइनस 0.20 पुट करें और लॉग इनवर्स -0.20 पुट करें तो आपके पास जो एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.63 ही आती है, ठीक है, 0.,, ये पीएच नहीं है, ये गलत लिखा गया, ठीक है, ये करिए शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। इंशाल्लाह कोर्स जितना जल्दी हो सके काम खत्म करवाएंगे आपको, कोर्स का आपको पता है कि बेटा मैं कहता हूँ कोर्स अभी खत्म कर, ठीक है, हफ्ते में हमने एक को पढ़ाना होता है, एक एक चीज जो है वो देखनी होती है। अच्छा, तो फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इज पी एच इज 2, पॉजिटिव जो है वो 10 रेज पर माइनस pH होता है, तो 10 रेज पर माइनस 2 क्या आता है, 0.01, और pH जो है दूसरे मेथड से भी करके दिखा दूं, माइनस लॉग एच पॉजिटिव तो 0 माइनस 2 इज इक्वल टू लॉग एच पॉजिटिव, तो ये एच पॉजिटिव है 0.01 आता है, ठीक है, ये पी, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब बेटा एक नई चीज आती है यहाँ पे, वो है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है बेटा, वाटर की आपको ब्रेक करते हैं तो ये एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव बन, लिखना नहीं है, लिखवाऊंगा, ठीक है, ये एक रिएक्शन हमने बना दिया। अब मैं अगर आप कहूं कि इसका केसी लिखें, बेटा मैंने कहा है लिखना नहीं, छोड़ मैं इस पर नहीं बताता, सिंपल है क्या है, कम है तो सिंपल है, सारे डायरेक्ट आपके पास H2O और ये H पॉजिटिव प्लस O H नेगेटिव, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ इसकी केसी लिखें, तो केसी आपको AS से पता है कि केसी कैसे फाइंड करते हैं और केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, केसी लिख दिया। अब बेटा इस ये जो रिएक्शन हमने बनाया है इसका केसी की कोई वैल्यू नहीं, ये केसी आप नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप केसी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, H2O कर दो इंटू एच पॉजिटिव प्लस ओ इंटू ओ एच नेगेटिव, ठीक है, जब आप सारा काम करते हो तो ये जो है ये जब मल्टीप्लाई होता है
तो ये KW बात करता है, ठीक है, और ये H पॉजिटिव, O H नेगेटिव जो है, ये KW की, ये एक आपके पास एक्सप्रेशन बन जाती है, ठीक है। अच्छा ओके, ठीक अच्छा जी, हो गया ओके। KW के लिए आपके पास, अब ये जो KW है, अब टाइम गया, जो खुला खुला करके लिखा है उसको जरा ठीक करें ताकि इसी स्लाइड पर और भी बहुत चीजें लिख सकें। अब ये जो आपके पास KW आया है, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, तो ये जो के डब्ल्यू है, इट इज इक्वल टू 1 × 10⁻¹⁴, ठीक है, मोल स्क्वेयर Dm-6 एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो बेसिकली, अच्छा ठीक है, ये के डब्ल्यू क्या चीज है, ये के डब्ल्यू जो है, ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, ठीक है, और इस आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जो वैल्यू है वो 1 × 10⁻¹⁴ है, ठीक है, अंडरस्टूड, हो गई बात, ये लिख लीजिए। मैं वो भी लिखवा सकता था बट मैंने नहीं लिखवाया, पता नहीं, लेकिन आप ये लिख लीजिए, ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। बस यही बात थी कि ये जो है, ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, ठीक है, ये आगे अभी आपको काम आएगा, अभी बताता हूँ कहाँ पे आएगा, किसी अगे लिखने वाले में लिख लिया, शाबाश। अब हम आगे आते हैं कि जरा वो जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे और आगे आते हैं। अब हमने पीएच फाइंड करनी है जब स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, ठीक है, ये है HCl है, H पॉजिटिव बना दिया, Cl नेगेटिव बना दिया, ठीक है, HCl की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, O लेवल्स आ जाता है, अब यहाँ पे आपका टेस्ट करते हैं कि ये 0.1 है तो ये भी 0.1 होगा, ये भी 0.1, ऐसी बात है, ये H पॉजिटिव 0.1 हो गया, pH माइनस लॉग H पॉजिटिव माइनस लॉग 0.1, तो पी एच जो है वो 1 आ गया, ठीक है, कोई मसला इस बात में होना भी नहीं चाहिए। अच्छा अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पीएच ठीक है, ये क्वेश्चन है, HNO3 NO3, ये 0.2 है, ये भी 0.2 होगा, ये भी 0.2 होगा, pH 2 है, pH 2 है, दोबारा देखें, माइनस लॉग, एफिशिएंसी नुकसानदेह भी होती है कभी, आपने कहा 0.11, 0.28, बेटा ऐसे नहीं होता, 0.7 है pH, ठीक है, चलाकी नहीं, चलाकी नहीं, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन pH इज, अच्छा फाइंड करेंगे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन पीएच इज गिवन,
आपके पास पीएच जो होगी वो गिवन होगी, ठीक है, और आपने पीएच से आप एच पॉजिटिव निकाल लोगे और फिर एच पॉजिटिव से आप एसिड की कॉन्जेनरेशन निकाल लोगे, ऐसी बात है ना, ये कर लोगे आप? चले आए फिर देखते हैं आप कर लेंगे या नहीं। जी करिए, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन इफ पीएच इज 1.5। बिस्मिल्लाह करें, इक्वेशन लिखेंगे पहले, सबसे पहले शाबाश, एच एच पॉजिटिव, ठीक है, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव, माइनस लॉग HCl आ गया, और HCl भी 0.03 होगा क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.03 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। बिस्मिल्लाह करें, खुद भी तो करे ना कुछ। क्या आंसर आता है 0.0 में? देखते हैं, HNO3 H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव, pH 2 है माइनस लॉग H पॉजिटिव, H पॉजिटिव जो है वो 0.01 आ जाता है, ये 0.01 होगा तो ये भी 0.01 होगा क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.01 मोल BMI, ठीक हो गया, गुड हो गया, शाबाश, आपको चीजें आ गई। अच्छा अच्छा बेटा, हमने शुरू से लेके अभी तक हम आ रहे हैं तो हमने काफी फॉर्मूलाज डिराइव किए, ठीक है, तो हम अभी कुछ एक फॉर्मूला और डिराइव करेंगे, या आप सबने लिख ली या आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो असेंबल लिए क्या कर दे, तंग असेंबल लिए साढ़े मैटर को चांदी नंबर असेंबल लिए, तंग बंदियों, आपने पढ़ा था कि यार ये जो आपने कहा था कि एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो मिलाएंगे तो 10^-14 pH 14 आएगी, ठीक है। अब एच पॉजिटिव लॉग एच पॉजिटिव प्लस लॉग OH नेगेटिव इक्वल टू -14, माइनस लॉग एच पॉजिटिव प्लस माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव, ये वाला 14, ये वाला माइनस नेक्स्ट स्टेप में उधर ले आए, ठीक है। अब ये पीएच होता है और ये जो होता है ये पीओ है, ठीक है, आपके पास एक नई इक्वेशन बन गई, और वो क्या है, पीएच प्लस पीओ एच इज इक्वल्स टू 14, ठीक है, बन गई। अच्छा शाबाश, अब ये जो हमने लंबी सी ये वाली तकरीर बांधी है ना, ये जो है ये नॉट इन सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं, ठीक है, तो ये आपको ना इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए ना कुछ आनी चाहिए। देखें आती है तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं आती ना तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं। अगर आप कोई बहुत ब्रेनी बच्ची हो इंसाफ जैसे, और अगर आपको आती है उसमें कोई ममानियत नहीं है, बट ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना ही ये पेपर में जो है वो पूछी जाएगी। ठीक है, डन हो गया। तो ये आपके पास जो है ये एक नई इक्वेशन जो है वो हमने तरतीब दे दी है, और जो अगला काम हम करेंगे उसमें ये काम आएगी बहुत सारी। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब अगला काम जो है वो फाइंड पीएच एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कलाई इज गिवन। ठीक है, अब ये कैसे करना है? ये ऐसे करना है कि आपके पास जो है वो एल्कलाई की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो गिवन है, एल्कलाई की कॉन्सेंट्रेशन से आपने ओ एच नेगेटिव निकाल लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, उससे आप एच पॉजिटिव निकालोगे और उससे आप पी एच निकालोगे। ठीक है, पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है, आपके पास एल्कलाई की कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें से ओ एच नेगेटिव निकालो, पी ओ एच निकालो और उससे पी एच निकालो। ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, ओ एच नेगेटिव आ जाएगा तो एच पॉजिटिव कैसे निकालोगे? एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव इजिकल टू 10^-14। ठीक है, और पी ओ एच आ जाएगा तो -log ओ एच नेगेटिव। ठीक है, इक्वेशन डाल के आपने सीधी सीधी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये करो आप, फाइंड फाइंड पी एच एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन ए ओ एच इज 0.1। जल्दी करें, जल्दी, नहीं नहीं जल्दी जल्दी जल्दी, हरी 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 अब, हरी अब, हरी अब, हरी। इसकी भी हम दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, मैं दो दो इसी के बाद हूँ, क्योंकि पहली बार मेरा टाइम कंस्ट्रेंट्स, दूसरी बार ये कि बेटा अगर आपने दो तीन क्वेश्चंस कर दिए पास पेपर्स में, पुराने पास पेपर्स में भरे हुए ऐसे, उसमें आप करेंगे तो आपकी और प्रैक्टिस, उसमें ऐसी चीज नहीं है ना, हम ज्यादा टाइम उस चीज पर लगाएं जो काम की है। ये है नहीं, बोंगी है, कसम लिटरली बोंगी है। ठीक है, आगे हम जाएंगे, बफर सॉल्यूशंस आ रहे हैं, टाइट्रेशन कर्व्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उस पर ज्यादा टाइम लगाएं तो वो ज्यादा अच्छी है। सो के एस पी, के पी एस, के पी सी, जी बेटा आपने कर लिया है, शाबाश, आपका आंसर क्या है? 13। आए देखते हैं, एन ए ओ एच, एन ए पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव 0.1, ये भी 0.1 होगा, ये भी 0.1, एच पॉजिटिव, इसको भूल जाए कभी लिखा था, ओ एच नेगेटिव 10^-14, एच पॉजिटिव फाइंड करना है 0.1, 10^-14, एच पॉजिटिव क्या आया? 10^-13। ठीक है, उसके बाद एच पॉजिटिव इज 10^-pH, 10^-13 इक्वल्स टू 10^-pH, पी एच जो है वो 13 है, इक्वेट हो गया। पी एच 13 आता है, आपका जवाब जो है वो दुरुस्त है, आपको आपका जवाब मुबारक हो। जल्दी से दूसरा क्वेश्चन करें, जल्दी से, 5 मिनट है, जल्दी से करें, 5 मिनट क्लास कर, जल्दी से। जी शाबाश मेरी बच्ची, सी ए ओ एच टू जो है आपने सी ए ओ बनाया, टू ओ एच नेगेटिव बनाया, 0.2 था, ये 0.4 है, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव इज 1 × 10^-14, एच पॉजिटिव तो आपने फाइंड करना है, 0.4 है, 1 × 10^-14 है, एच पॉजिटिव क्या आ जाता? 2.5 × 10^-14।
ठीक है, pH आपने निकाला माइनस लॉग 2.5 × 10⁻⁴, ये आंसर आता है 13.6। किस किसका 13.6 है? दूसरा तरीका, pOH इक्वल्स टू माइनस लॉग OH, दूसरा तरीका, दो तरीके ठीक है, माइनस लॉग 0.4, 0.4 आ गया ठीक है, pH प्लस pOH 14, pH प्लस 0.4 14, pH जो है वो 13.6 आ गया ठीक है। किस किस को समझ आया? अच्छा, किस किस को नहीं समझ, और किस किस को पता ही नहीं है कि समझ आया या नहीं समझ आया? मजलूब लोग हैं क्या जी? क्वेश्चन पूछें, क्या नहीं समझ आया बताऊं बेटा? देखो, हमने एक स्टेप पहले शुरू में ही बता दिया था कि आपके पास एल्कलाई की कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, CaOH2 एल्कलाई है, उससे आपने OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, वो हमने फाइंड कर ली ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है। उसके बाद आपने जो है उससे आपने एच पॉजिटिव की आ जाएगी, और उससे आपने फिर pH निकाल लिया। आपने कहा कि यार ये यहाँ पर 0.2 है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं ताकि आपको पता चले। आपने कहा कि यार यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे माने यहाँ पे 2 है, तो ये 0.4 हो जाएगा ना, ओ लेवल्स में पढ़ा ठीक है। ओ लेवल्स में पढ़ा था अभी आपको, यार इनको सर इनको बिठाए पिछली क्लास ओ लेवल ठीक है। ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन आपने फाइंड कर ली, इस फॉर्मूला में आपने ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डाली ठीक है, ये 0.4 डाल दी, उससे आपने एच पॉजिटिव की जो है वो निकाल दी ठीक है। उसके बाद आपने जो एच पॉजिटिव की आई थी वो पीएच से निकाल के पीएच फाइंड कर ली ठीक है, और आपने जो 2-3 मार्क का क्वेश्चन था वो फुल स्कोर कर लिया ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो दूसरा तरीका था वो ये था कि यार आपके पास पीओएच जो है वो माइनस लॉग ओएच नेगेटिव होगा ठीक है, जैसे पीएच होता है वैसे पीओएच का हमने शुरू में पढ़ा ठीक है। आपने कहा कि यार माइनस लॉग 0.4, आंसर जो था 0.4 ही आ गया ठीक है। पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू 14 कर दिया, पी एच जो था वो पी ओ एच 0.4 था, ये 14 था, पी एच जो था वो 13.6 आपने जो था वो फाइंड कर दिया था ठीक है। ये चीज थी बात, इसके अलावा कुछ भी नहीं था इस ठीक है। अंडरस्टूड? क्या बात, अऊज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। बेटा लास्ट क्लास, अच्छा अब हम जो अगला चीज करने वाले हैं, अगली चीज करने वाले हैं, तो बताओ जो भी काम हो गई है वो है कि कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड फाइंड करना है हमने जब पीएच गिवन होगी ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपके पास पीएच गिवन है, आप एच पॉजिटिव उससे फाइंड कर लेते हो, ओ एच नेगेटिव फाइंड करते हो उससे, और उससे फिर एल्कलाई की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लेते हो ठीक है। या दूसरा तरीका यह है कि आपके पास पीएच है, आप पी ओ एच निकाल लो ठीक है, आप एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव निकाल लें उससे, और उसके बाद जो है वो एल्कलाई की कॉन्सेंट्रेशन ठीक है। ठीक है, आपने एल्कलाई की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फाइंड करनी है ठीक है, एल्कलाई की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कलाई इफ पीएच इज गिवन ठीक है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaOH2 इफ पीएच इज 13.6 ठीक है। तो जी स्टार्ट करिए, इसको कैसे करेंगे, आपको एक मैंने सीक्वेंस बता दिया था कि आपका पीएच गिवन होगी, उसे आप एच पॉजिटिव फाइंड कर लो,
फिर उसे ओ एच नेगेटिव फाइंड कर लो, फिर ओ एच नेगेटिव से एल्कलाई कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लो। ठीक है, ट्राई करें फिर आप इसमें। प्लस टू ओ एच नेगेटिव। अच्छा, ये आपके पास इक्वेशन थी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, यानी कि ये एक्स मोल पर डीएम क्यूब है। ठीक है, और पीएच इसकी जो है वो 13.6 है। ठीक है, एच पॉजिटिव अगर आपको निकालना है तो 10 माइनस पीएच होता है ना, 10 माइनस 13.6 करें। अच्छा सॉरी, 13.6 नहीं, 13.6 से मुझे एक वो हुआ है कि 13.6 से कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो आप ऐसा करें 13 से करें। ठीक है, 13 से करें, 10 13.6 से कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, तो 10^-13 जब करेंगे तो एच पॉजिटिव के आपके पास कॉन्ट्रेशन क्या आएगी। ठीक है, अब आप क्या करो, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव 1 × 10^-14, एच ओ एच नेगेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, 1 × 10^-14 −10^-13, तो ये 10^-1 हो जाएगा, और इससे जो आपके पास ओ एच की कॉन्बिनेशन है वो 10^-1 है, तो ये कितनी होती है, ये 0.1 है यानी कि। ठीक है, तो ये अगर 0.1 है तो ये 2 है और ये 1 है, तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपके पास 0.05 मोल पर डीएम क्यूब आ जाएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड, गुड हो गया। अच्छा, इसी किस्म के आगे बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अब इसको नहीं करवा रहा, और जो है वो अगली चीज करवा रहा। ठीक है, अगली चीज क्या है, अगली चीज जो है वो है पीएच ऑफ वीक एसिड्स। ठीक है जी, वीक एसिड क्या पीएच होती है। हाँ जी, 4-5। ठीक है, 4-5 के दिन। ठीक है, तो वीक एसिड की, अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जाम्पल में हाँ HCl आपने दे दी, कितनी देर लगा के दी है माशाल्लाह। ठीक है, और वीक एसिड की एग्जाम्पल, वीक एसिड कौन से होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम एथनॉइक एसिड की दे रहे हैं, CH3COOH। ठीक है, HCl को करो तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव निकलता है, इसको करो तो सॉरी पी एच 3 CO2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास गिवन है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, तो इसकी भी 0.1 होगी, इसकी भी 0.1 होगी। ठीक है, और अगर आपके पास ये 0.1 है तो इससे जो है आप पीएच जो है वो बड़े आसानी से पता कर सकते हो, ऐसी बात है ना, बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है, लेट्स से कि इसकी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, इसकी आप नहीं पता कर सकते। ठीक है, जी क्यों नहीं पता कर सकते, ये जो एक्स है या यू कैन नॉट फाइंड दिस एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन से वाई इट कैन नॉट बी फाउंड अंटिल वी हैव केसी, अंटिल वी केस। ठीक है, अंडरस्टूड, नहीं समझ रहे, बेसिकली बात यह है कि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना आपके पास, तो आप HCl एच पॉजिटिव CL नेगेटिव आपने बनाया। ठीक है, तो इससे आप
अगर HCl की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 थी तो H पॉजिटिव की भी 0.1 होगी, Cl नेगेटिव की भी 0.1 ही होगी, ठीक है। और वीक एसिड जो है, अगर उसकी एथनॉइक एसिड एग्जाम्पल दी गई है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, तो ये जो H पॉजिटिव होगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप फाइंड नहीं कर सकते इस इक्वेशन के, ठीक है, जैसे आप इसमें कर रहे थे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दिस कैन नॉट बी फाउंड अंटिल केसी, वी हैव केसी, ठीक है। इसकी केसी की एक्सप्रेशन लिखेंगे और ये होगी CH3CO2 नेगेटिव H पॉजिटिव, ठीक है, CH3COOH, ठीक। और ये जो केसी होता है इसको हम कहते हैं के ए, ठीक है, ये केसी नहीं कहते, इसको हम के ए कहते, ठीक है। और केसी इज इक्वल्स टू के ए, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आ गई, ये लिखने की जी देखा। जी लिख लिया आपने, छोटी सी जो बात थी इसमें क्या है। अच्छा अब मैं आगे आता हूँ और अगली जो चीज है वो बताता हूँ। ये कि पीएच और वीक एसिड्स के बारे में आप ये सिर्फ पढ़ लें, रीड कर लें इसको, कि द इक्विलिब्रियम लॉ कैन बी अप्लाई टू एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, केसी ऑफ वीक एसिड्स इज कॉल्ड के ए, ठीक है। K is the acid disassociation constant. The unit of K A are determined in the same way as of KC. The value of K A indicates the extent of disassociation of the. पढ़ें इसको शाबाश। ये कुछ एसिड्स हैं और आयन्स हैं जिनकी के ए की वैल्यू जो है वो गिवन है, और पी के ए भी मैं आगे आपको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो बेटा इधर ये जो है ये इक्वेशन गलत, इसको भी छोड़ दे, इसको छोड़ दे, ये आपने देख लिया, इसको लिखना नहीं है, आप बस देख लिया। जब क्वेश्चन आएगा तो आपके पास के ए की वैल्यूज या गिवन होंगी या आपने फाइंड करनी होंगी जो, और पी के ए आप सब इंडेक्स निकाल। अच्छा, और जो के ए की वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं अगर हमें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पता है या पीएच सॉल्यूशन की पीएच, ठीक है, ये लिख लें। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन तो मैं खुद करूँ, ठीक, CH3COOH है, CH3CO2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। स्टार्ट में आपके पास क्या था, रिएक्शन में कितना हुआ, और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ये लिख। इस क्वेश्चन के ना साथ साथ दिखते नहीं लेकिन साथ साथ समझते भी। 0.1
मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन थी स्टार्ट में, ठीक है, और के ए की वैल्यू 1.7, ये जीरो थी, ये जीरो, ये एक्स है रिएक्शन में, एक्स मोल जो आपके लग गए, ठीक है, ये 0.1 माइनस एक्स, ये एक्स और ये एक्स, ठीक है। अब जब के सी की वैल्यू लिखनी है तो हम के ए लिखेंगे और एक्स एक्स और 0.1 माइनस एक्स, ठीक हो गया, अंडरस्टूड, गुड हो गया। अब के ए की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, गिवन है 1.74 इंटू 10^-5 x² ओवर 0.1 माइनस x। चलें शाबाश, मैथ्स तो आपको बहुत अच्छी आती है, सॉल्व करें इसको आगे। लेकिन पहला क्वेश्चन है तो मैंने आपको करवाना है, तो मैं खुद आपको सॉल्व कर, ठीक, ये लिख लिया है, कितने लोगों ने लिख लिया, जल्दी इसको लिखें ताकि मैं आगे चलूँ, जल्दी लिखें, जल्दी जल्दी बेटा, अभी क्वेश्चन रहता है, अभी मैं करवा रहा हूँ, घबराए नहीं। जी लिख लिया आप, अच्छा जी, जब आपने लिख लिया कि के ए 1.74 इंटू 10^-5 x² ओवर 0.1 माइनस एक्स है, हम कहते हैं 1.74 इंटू 10^-5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और तो मैं आपको मैथ्स का टीचर बन गया, 1.74 इंटू 10^-5 इंटू 0.1 माइनस 1.74 इंटू 10^-5 एक्स इक्वल्स टू x², ठीक है, x² प्लस 1.74 इंटू 10^-5 एक्स इक्वल्स टू 1.74 इंटू 10^-6 इक्वल्स x² प्लस 1.74 इंटू 10^-5 एक्स माइनस 1.74 इंटू 10^-6 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको आप सॉल्व करें, अब क्या इक्वेशन आपने लगो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं करना, कैलकुलेटर में उसको सीधा डालें, ये क्या आता है जल्दी मुझे बताएं, एक्स जो है उसकी वैल्यू आती है 1.3 इंटू 10^-3, तो ये जो एच पॉजिटिव है ये 1.3 इंटू 10^-3, ठीक है। अब आप क्या करें, अब आपके पास दो तरीके हैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए, पी एच है माइनस लॉग एच पॉजिटिव माइनस लॉग 1.3 इंटू 10^-3 और 2.88 आपके पास पी एच आ, ठीक है, सही। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास एक नया फॉर्मूला है, एच पॉजिटिव स्क्वेयर इक्वल्स टू के ए ऑफ एसिड, ठीक है, एच पॉजिटिव स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं कहता हूँ के ए एसिड अंडर रूट, एच पॉजिटिव निकालना है, के ए ऑफ एसिड क्या है 1.74 इंटू 10^-5 है और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1, ठीक है, तो ये भी अंडर रूट है, तो एच पॉजिटिव जो आता है वो 2.88 आता है, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी एच पॉजिटिव 2.88 नहीं आता, एच पॉजिटिव जो है वो 1.3 इंटू 10^-3 आता है, और उसके बाद ठीक है 1.3 और 10
फिर इससे बाद आपके पास ये इस तरीके से आपके पास सीधा जो है वो पी एल इज 2.88 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों जवाब जो है वो ठीक है। आप बताएं कोई मसला। जी आप घबराएंगे, क्वेश्चन पूछना है। देखें बेटा, दोबारा सॉल्व करें। अच्छा देखें, मैं लिख नहीं रहा दोबारा, इतना कौन लिखेगा। उसने कहा, अच्छा चले आए, तो दोबारा सॉल्व, मैं आपकी खातिर, टाइम इतना है नहीं, ठीक है, तो मैं आपकी खातिर दोबारा सॉल्व, भूल जाए जो हुआ। उसने कहा कि यार CH3COOH है, CH3CO 2- प्लस एच पॉजिटिव। ठीक है, हमने जैसे ए लेवल्स में और ए एस में किया था कि ऐसी इक्वेशन हो, स्टार्ट में कितने रिएक्शन में कितना लगा और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। स्टार्ट में हमने बता दिया कि स्टार्ट में लगा 0.1, यहाँ पे लगा 0.0, रिएक्शन में एक्स कंज्यूम हुआ, एक्स कंज्यूम हुआ, एक्स कंज्यूम, हमें एक्स नहीं पता, हमने एक्स फाइंड करना है। ये 0.1 - x हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स। इसकी केसी की एक्सप्रेशन लिखनी थी, लेकिन जो पीएच और पीक एसिड होता है वो केसी नहीं होता, वो के ए होता है। ठीक है, तो ये x² over 0.1 - x है। ठीक है, के ए हमारे पास गिवन था 1.74 × 10⁻⁵, और इससे आपने x² over 0.1 - x, यहाँ पे आपने सिंपल क्लास 6 वाली मैथ्स की, और उसमें आपने जो एक्स, आपने x² + 1.74 × 10⁻⁵ -1.74 × 10⁻⁶ = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव कर। ठीक है, क्या आपने डिराइव कर ली होगी आंसर? इसमें कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू आई थी वो 1.3 × 10⁻³, और ये जो एक्स था ये एक्चुअली एच पॉजिटिव था, 1.3 × 10⁻³। ठीक है, पीएच की आपने वो लगा दी, फॉर्मूला लगा दिया, एच माइनस लॉग एच पॉजिटिव माइनस लॉग 1.3 × 10⁻³, और ये जो था ये 2.88 आपके पास पीएच आ। ठीक है, दूसरा तरीका जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप आजमा सकते हैं, ये वाला तरीका भी वो ये था। वो ये था कि एच पॉजिटिव जो है वो के ए है, और साथ एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई कर दें अंडर। ठीक है, के ए आपका 1.74 × 10⁻⁵ था, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 होगी, ये सारा कुछ करके 1.3 × 10⁻आता है। ठीक है, और ये चीज, और ये जो है ये इससे मिला के जो इसकी पीएच आती है वो 2.88 ही आती है। ठीक है, और ये पीएच, और ये पीएच आती है। ठीक है, कुछ पल्ले पड़ गया। ठीक है, बस ये इतना सवाल। ठीक है, बेशक इसकी आप क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, या आपने यहाँ पे अगला क्वेश्चन, जी अगला देखें, शाबाश, इसको आप आपको ट्राई करेंगे। जी इसको ना आप जरा खुद ट्राई कीजिए कि ये कैसे करना है, देखूं आपने अब सीखा भी है कुछ या नहीं। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5CO2H।
और ये जो है सारा इसकी इक्वेशन जो होगी C6H5CO2H और C6H5CO2- + H+। हमने कह दिया क्या स्टार्ट में कितना है, रिएक्शन में कितने लग गए और इक्विलिब्रियम में कितने। ठीक है, हमने कह दिया कि स्टार्ट में 0.0200 है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये एक्स रिएक्शन में लग गए, यहाँ एक्स हो गया, यहाँ एक्स हो गया, 0.02000 - x, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स। ठीक है, समझ आ गई। अब के ए की डेफिनेशन, हमें के ए की एक वो लिखेंगे, 0.1 एक्सप्रेशन बना लेंगे। ठीक है, के ए हमारे पास गिवन था 6.3 × 10⁻⁵ = x² / 0.02000 - x। इससे जब हम आगे इसको, अब आप खुद सिंप्लीफाई करें जरा, क्या जी, इससे आपके पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 6.3 × 10⁻⁵ x - 1.26 × 10⁻⁶ = 0। आ गई ये सबके पास। इसके पास x की जो वैल्यू आएगी वो 1.09 × 10⁻³। ठीक है, हमें पता था कि यार ये जो x की वैल्यू आई है ये जो है ये pH है, एच पॉजिटिव की वैल्यू। ठीक है, एच पॉजिटिव की, ये एक्स है तो ये क्या है, एक्स है ना, इसकी वैल्यू भी वही है, इसकी वैल्यू भी वही है। ठीक है, तो हम कहते हैं pH = −log h पॉजिटिव −log h पॉजिटिव 1.09 × 10⁻³। ये आंसर क्या आता है, 2.96 आपके पास pH है। कोई मसला किसी को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आई मेरे बेटे? इसको सिंपलीफाई करें ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको क्लास सिक्स की मैथ से इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका भी है बिल्कुल। एच पॉजिटिव हमें पता है के ए और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है अंडर रूट। ठीक है, के ए क्या है, 6.3 × 10⁻⁵ × 0.02। ठीक है, फिर एच पॉजिटिव 1.12 × 10⁻³, फिर इसको पीएच में डाल दो, −log 1.12 × 10⁻³। इससे जो पीएच आ जाता है वो 2.9498 की वैल्यू आती है, तो ये इसको सिंपलीफाई सिंपलीफाई करेंगे तो 2.96 इसका पीएच आता है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों मेथड जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो है ये अब बहुत बात पुरानी हो गई है अभी तक, और मैं अब आगे चलना चाहूंगा, और इंशाल्लाह जब हम आगे फुली पास पेपर्स करेंगे तो ये क्वेश्चन आएंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। अब अगली चीज जिसको मैं टच करना चाहता हूँ वो है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? कि बफर सॉल्यूशंस वो होते हैं सॉल्यूशंस विच रिजिस्ट चेंज इन पीएच। ठीक है, एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड्स और अल्कलाइज आर एडेड। एक अगर आपकी बॉडी है, ठीक है, उसमें ब्लड का एक खास पीएच होता है, ठीक है, उस ब्लड के पीएच को मेंटेन हमने करना होता है। ठीक है, तो ब्लड का पीएच आई थिंक 7.4 करके कुछ है, एग्जैक्टली 7.40 कुछ है, 7.4, तो हमें उसको मेंटेन करना होता है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो बंदा गया, फारो हो गया। ठीक है, तो हमें मेंटेन करना होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी कोई बफर्स होंगे। ठीक है, बफर सॉल्यूशंस होंगे, बफर होगा हमारे बॉडी में, जरूर है। ठीक है, और इसी तरह केमिस्ट्री में भी यहाँ पे बफर सॉल्यूशंस हैं,
कि अगर हमने किसी सॉल्यूशन की पीएच जो है वो मेंटेन रखनी है, उसको ऊपर नीचे नहीं होने देना, तो हम बफर सॉल्यूशन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये लिख, सिर्फ ये लिख, इसको नीचे सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड्स और अल्कलाइज आर एडेड। ठीक है, तो अच्छा, हम बात कर रहे हैं बफर सॉल्यूशन। डेफिनेशन आपने देख ली बफर सॉल्यूशन की क्या होती है, अब हम बात कर देते हैं कि इनकी किस्में कौन कौन सी। ठीक है, तो सबसे इनके टू टाइप्स होती हैं बफर सॉल्यूशंस की, कौन सी होती है? आपके पास एसिडिक बफर्स होते हैं और एल्कलाइन बफर्स। ये वीक एसिड यूजली होता और इसके साथ ही कोई कॉन्जुगेट बेस होती है। ठीक है, और इनका जो पीएच होता है वो लेस देन 7। और इस तरह एल्कलाइन में कोई वीक एल्कलाइन होती है, कॉन्जुगेट एसिड होता है इसके साथ, और जो इसकी पीएच होती है मोर देन 7। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अभी और आगे आपको डाउट। तो ये दो किस्में थी, ये नोट कर लीजिए, टू टाइप्स। तो फिर सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपने लिखी, लिखिए सॉल्यूशंस विच चेंज, नहीं, विच रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच व्हेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड्स एड। ओके, ये बफर की आपने डेफिनेशन। तो आप इधर आ ही गए हैं तो यूजेस भी लिख लें बफर के, यूजेस ऑफ बफर सॉल्यूशंस। कुछ यूजेस जो हैं वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ओके, मीन स्टैंडर्डाइजिंग पीएच मीटर्स को स्टैंडर्डाइज कर दूसरा यूज जो है वो बफरिंग बायोलॉजिकल सिस्टम्स, बायोलॉजिकल सिस्टम जो है उसमें बफर होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जैसे मैंने बताया मेंटेनिंग द पीएच ऑफ शैम्पू, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ठीक, कि शैम्पू में भी बफर सॉल्यूशन हमें डालना पड़ता है ताकि उसकी जो पीएच है वो खराब ना हो। ठीक है, क्या मतलब? शैम्पू में सर्टेन अमाउंट पीएच होती है, अक्सर आप शैम्पू पे घर जाकर से देखिएगा पीएच उसकी लिखी हुई है। ठीक है, अगर जो पीएच उसकी लिखी हुई है तो उससे पीएच थोड़ी सी ऊपर हो जाए तो बंदा जो है वो जुनेद अकरम बन जाएगा। ठीक है, गंजा हो जाएगा, गंजा हो जाएगा, जुनेद अकरम ही बन जाएगा, मजाक करेगा, लेकिन बाल खराब हो जाएंगे। ठीक है, बाल डैमेज हो जाएंगे, हेयर लॉस भी हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं बाल में। मैं यहाँ पर डर्माटोलॉजी क्लास नहीं चल रही, केमिस्ट्री नहीं चल रही, तो एक पीएच उसका मेंटेन करना होता है, तो वो उसमें भी बफर डालते हैं। ठीक है,
ये ना वो घर जाके भाई जो है वो छोटे भाई के शैम्पू में लिख लिया आपने। नेक्स्ट चीज जो हम अब देखते हैं वो ये है बफर सॉल्यूशंस के बारे में कि हाउ बफर सॉल्यूशंस वर्क। ठीक है, हाउ बफर सॉल्यूशंस वर्क। क्वेश्चन मार्क है इतना बड़ा इसके ऊपर, इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हाउ बफर सॉल्यूशंस वर्क। बेटा आपने देखा था कि आपके पास एक वीक एसिड है CrCCOOH और ये पार्शली डिसोसिएट करके CH3CO2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, ये एसिड है जैसे आपने देखा है और ये कॉन्जुगेट बेस, ये इसमें पढ़ा है कॉन्जुगेट बेसिस का। ठीक है, किस कॉन्जुगेट बेस का एच पॉजिटिव प्लस कॉन्जुगेट बेस आपस में मिलते हैं तो ये एसिड बना देंगे, और अगर ओ एच नेगेटिव प्लस एसिड मिल जाए तो ये एक सॉल्ट और वाटर बना देंगे। ठीक है, ये अब बहुत बड़ी बात लिखी है बेटा, बहुत बड़ी बात समझ आ जानी चाहिए बाप सब, ये आप भी बड़े बच्चे हो लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, इससे हम आगे इक्वेशंस बना लें। ठीक है, मुझे थोड़े से रंग भरने दो, जिंदगी में तो रंग नहीं है, नहीं पर भर लेते हैं थोड़े से, इसमें आ जाए थोड़े से रंग। ठीक है, अच्छा क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि मैं कह देता हूं कि आपके पास एच पॉजिटिव अब रिएक्ट करता है कॉन्जुगेट बेस के साथ, जो आपके पास कॉन्जुगेट बेस थी। ठीक है, आपका एच पॉजिटिव कॉन्जुगेट बेस के साथ रिएक्ट करता है CH3CO2 नेगेटिव और ये इसने एसिड बना दिया CH3CO2H। ठीक है, और अब ये ओ एच नेगेटिव जो है ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है CH3CO2H और ये CH3CO2 नेगेटिव सॉल्ट और H2O वाटर इसने भी बना दिया। खुश हो गए आप? ठीक है, खुश हो गए आप? अल्लाह आपको मुझे ये जी मैंने जहाँ खुद रेज किया, मैं दोबारा लिखने वाला हूँ, मुझे कुछ पसंद नहीं आया था इसमें। क्या आपका एच पॉजिटिव है प्लस कॉन्जुगेट बेस है उसमें ऐसे वो ये लिख लिया आपने प्लस H2O। अच्छा अब यार ये देखो यहाँ पे O है तो यहाँ पे Na भी हो सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ वहां पे Na आ जाएगा तो यहाँ पर भी Na रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सारे रिएक्शन जो है वो देख लिए हैं। इसकी कोई एग्जाम्पल क्लास करा देता हूँ मैं आपको, और वो ये है कि बच्चा जी आपके पास एच पॉजिटिव है, बेस है कॉन्जुगेट आपके पास एच पॉजिटिव है, एक बेस है उससे आपने कॉन्जुगेट एसिड बना। ठीक है, और आपके पास ओ एच नेगेटिव है और एसिड है और आपने कॉन्जुगेट बेस
और H2O बना। एग्जाम्पल जी मैं कराता हूँ इसकी, अब एग्जाम्पल देखिएगा प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों जी जी एग्जाम्पल देखिए H2PO4, ये पहले की एग्जाम्पल, प्लस H पॉजिटिव, एक एस बेस था, एसिड H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, कॉन्जुगेट एसिड बना दिया H2PO4 नेगेटिव, और H2PO4 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट किया तो HPO4 2 नेगेटिव प्लस H2O बना दिया। कमाल नहीं हो गया यहाँ पे, है पता है, कमाल हो गया। अब आगे आओ, बफर की जब बात कर रहे हैं तो एल्केलाइन बफर की भी बात कर रही है थोड़ी सी, बफर इसमें क्या होता है, वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट एसिड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सुनिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, गौर से सुनिएगा, NH3 प्लस H2O से बना NH4 प्लस OH नेगेटिव, ये आपके पास जो था ये बेस था, ये आपके पास कॉन्जुगेट एसिड, H पॉजिटिव प्लस NH3 किया आपने, NH4 पॉजिटिव, कॉन्जुगेट एसिड बन गया बेस हो गया H पॉजिटिव को मिला के, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड और OH नेगेटिव को मिला के NH3 प्लस H2O भी आपने बना दिया, कि नहीं बना दिया, बना दिया, शाबाश, बहुत बड़ा काम, ठीक है, अंडरस्टूड हो गया। अच्छा अब वापस आए जी हमारी जो ये हमने हाफ बफर सॉल्यूशन पर देख लिया, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बफर इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ बफर क्वेश्चंस। यार आप अब बफर की बात करेंगे तो बफर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, टाइप 1 देखिएगा प्लीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस इन द बफर सॉल्यूशन इज गिवन, ठीक है, वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्जुगेट बेस जो है बफर में वो जो होता है वो गिवन होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन जी पहला कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें, कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.05 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HCOOH एंड 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HCO एंड Ka क्यूब, ऐसा के लिए आप ये क्वेश्चन लिखिए और करिए इसको शाबाश, मैं छुट्टी जी, इक्वेशन लिखते हैं पहले, HCO2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये 0.05 है, ये 0 है, ये 0, ये X है, ये X है, ये X, ये 0.05 माइनस X 0.3 x ये x, ठीक है, के ए अब आपको पता है x² / 0.05 - x करें 1.6 × 10⁻⁴ = x² / 0.05 - x, ठीक है, x की क्या वैल्यू आती है 2.8 × 10⁻³,
एच पॉजिटिव की वैल्यू है 2.8 इंटू 10^-3, और उससे आपने पीएच निकाल लिया 2.5, निकल आया। लिख लिया जी यहाँ तक आपने, मैं बताऊंगा बेटा, मैं आपको यहाँ पर बताने ही आया हूँ, हम किसके लिए हैं जी यहाँ पे। अच्छा जी, लिखो आप। अब आपके पास दूसरी इक्वेशन है HCO2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये 0.05 की 0 की 0, ये एक्स, ये 0.05 माइनस एक्स, ये एक्स, के x² 0.05 माइनस एक्स, 1.6 × 10^-4 x² 0.05 माइनस एक्स। एक्स जो है वो 8 × 10^-5 है, एच पॉजिटिव जो है वो 8 × 10^-5 है, इससे आपने जो पीएच निकाल ली वो आती है 4.5। बिस्मिल्लाह, हो गई, लिख लिया, जल्दी बता बेटा। आप करो ना, आप बेटा वही काम किया जो पिछले 3 दिन देर के करते आप, क्लास के शुरू से दे गए वही काम, लिटरली करो। मैं अपना छठ बोतल, टेम्परेचर भी बता दिया, बता सकता है। अच्छा इसी, अब आप ये मैं क्लियर कर दूँ, खत्म हो जाएगा ठीक है, ये लो खत्म। अब बेटा मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इसको करने का, एक नया तरीका, नया तरीका और आसान तरीका। इक्वेशन लिख लें, एक पीएच इक्वल्स टू पीके ए प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एस, ठीक है, ये आपके पल्ले पड़ा कुछ? मीठा बंदा पीएच अब आपने फाइंड करनी है। पी के ए क्या है? माइनस लॉग ऑफ के ए, 1.6 × 10^-4 प्लस लॉग, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.1 0.10, एसिड की 0.05, पीएच जो है वो 4.1 आपके पास, 4.1 ही आई थी ना पहले भी जी, तो आ गई ना 4.1, ठीक है, समझ आ गई जी बेटा जी, गुड हो गया। ओके अब ये क्वेश्चन कीजिए प्लीज। वही इक्वेशन इस्तेमाल करके पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एसिड, पी के ए 4.77 है, प्लस लॉग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, एसिड कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, क्या आता है आंसर? 5.1 मिलेगा, बहुत अच्छा किया, ठीक हो गया। Type 2 question, concentration of weak acid is given and conjugate base used to make proper solution is given. Find moles of acid and salt. Find total volume. Find concentration of acid and salt in buffer and find pH. ठीक है, लिख लें, थोड़ा जल्दी बोला शायद। क्वेश्चन जी प्लीज स्टार्ट कीजिए, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 50 cm³, ये 50 है,
ऑफ 0.3 मोल पर डीएम क्यू एथेनॉइक एसिड विद 100 सीएम क्यू ऑफ सोडियम इथेनॉइक, ठीक है, CH3COOH, ठीक है, 0.300 मोल है 1000 सीएम क्यूब, 50 सीएम क्यूब में एक्स, एक्स कितने हैं 0.015, ठीक है, और Na और सोडियम इथेनोएट जो है वो 0.600 मोल है 1000 सीएम क्यूब में, 100 सीएम क्यूब में एक्स मोल, एक्स इज 0.06 मोल, ठीक है। टोटल वॉल्यूम, पूरा टोटल वॉल्यूम क्या है, 150 सीएम क्यूब, ठीक है। इक्वेशन डालें, पीएचपी के ए प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड, क्या आता है, फाइंड करें आंसर बताएं, मैं बजगा नहीं है ना, मैं रेज ही करता शाबाश, 5.36 में, 5.36 पीएच आपके पास आ गया। हाँ अब आप पूछ लो, कोई मसला मरियम वेव नहीं है, और आप सर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन फाउंड व्हेन 500 सीएम क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब वीक एसिड एचएक्स इट्स एट मिक्स विद 500 सीएम क्यूब ऑफ 0.2 मोल पर सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट एनएवाई के 500 सीएम क्यूब ऑफ 0.1 मोल है भाई, इसमें 1000 सीएम क्यूब है, 50 सीएम क्यूब में एक्स मोल आ जाएंगे, एक्स की क्या वैल्यू आ जाती है 0.05। अब इसको देखो, 0.2 में 0.2 मोल 1000 सीएम क्यूब, एक्स मोल 500, एक्स क्या आता है 0.5, टोटल वॉल्यूम क्या है 1000 सीएम, ठीक है, एसिड कॉन्सेंट्रेशन इन बफर 0.05 मोल जो है वो 500 सीएम क्यूब, तो 1000 सीएम क्यूब में एक्स मोल, एक्स जो है वो 0.1 मोल पर, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन बफर, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन बफर 0.1 मोल है 500 सीएम क्यूब, जीरो पॉइंट टू मोल पर डीएम क्यूब, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट और एसिड माइनस लॉग 4 × 10⁻⁵ प्लस लॉग 0.2/0.5, आंसर क्या आता है, हो गया। अब टाइप थ्री क्वेश्चन, बफर सॉल्यूशन इज मेड बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग अल्कलाई, स्ट्रॉन्ग अल्कलाई इज लिमिटेड, फाइंड मोल्स ऑफ एसिड, फाइंड मोल्स ऑफ अल्कलाई, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड एंड सॉल्ट। अच्छा, राइट बोर्ड पर
टाइप थ्री के क्वेश्चन, टाइप थ्री, टाइप थ्री। ओके क्वेश्चन है आपके पास, CH3CH2CO2H+NaOH is a CH3CH2CO2Na+H2O। इसकी कॉन्जुगेशन 0.05 है, ठीक है, 0.03 आती है, ठीक है, ये भी 0.03, 0.03, 0.03, ठीक है। फाइनल आंसर 0.02, 0.03, 0.03, ठीक है। ये आपके पास क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड जो है, प्रोपेनोइक 0.02/100 × 1000 कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं ना, और NaOH की जो है वो है 0.03/100 × 1000, ये भी 0.,, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो 100। अच्छा, उसके बाद जो है, अब हमने बात कर दी, pH is -log 1.34 × 10⁻⁵, जो कि ए की वैल्यू है, प्लस log 0.3 0.2, आंसर आ जाता है 5.05, ठीक है, अंडरस्टूड, हो गया अंडरस्टूड, ठीक है। टाइप फोर, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन आर गिवन, कैलकुलेट वॉल्यूम। सॉल्यूशन की पीएच गिवन है, ठीक कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन, वॉल्यूम फाइंड। आपको पता है pH इक्वल्स टू pKa+log salt ओवर 10, ठीक है, ओके। यार रुक, अभी ना, एक मोल है 1000 cm³, ए सीएम क्यूब में एक्स है, एक्स क्या आता है 0.001 ए, एक मोल है 1000 cm³, बी सीएम क्यूब में एक्स मोल है, एक्स क्या है 0.001 बी, ठीक है। पी एच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट ओवर ऐसे, पीएच 5.5, 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.001 बी, 0.001 ए। यहाँ पे लिखो ए प्लस बी इज 100, क्योंकि ए का वैल्यू मिला के और बी का वैल्यू मिला के पूरा 100 हो जाएगा, 100 cm³, तो बी जो है वो 100 माइनस सी, 0.75 इज इक्वल टू लॉग बी ओवर ए, 0.01 कैंसिल हो गए,
बी ओवर ए जो है वो ये 5.66 लॉग को भी देता है। ठीक है, अच्छा कितना ने लिख लिया, ऊपर वाला पार्ट लिख लिया ना, मैं मुझे सॉल्व करने दें फिर आप कॉपी करते हैं। बी ओवर ए 5.66, 100 माइनस ए अपॉन ए इज 5.66, 100 माइनस ए इज 5.66 ए, 100 इज 6.66 ए, ए जो है आता है वो आता है 15.01 कुछ करके, तो ये 15 हो जाएगा। सबसिक्वेंटली ए अगर 15 है तो बी क्या हो जाएगा, 85 सी। अंडरस्टूड हो गया, ठीक हो गया, आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको समझ आ गया है तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की क्या बात होगी। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लास है वो इख्तिताम पर अपने पहुंच गई है और अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमें जुदा होना, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। हमारे जाने का वक्त आ चुका है, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है और इसमें ए की वैल्यू जो है ये थोड़े में करा के जाए, आज मैं आपकी क्लास में मैं एक ही दफा एक बड़ा सा वो बना देता हूँ। क्वेश्चन आपने लिख लिया है तो मैंने पहले कहा था ऊपर कि आप जल्दी से खिंच 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 पिक्चर्स दे लें। अच्छा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास एसिड है 1.5 मोल पर DM³ का ACM। अच्छा नहीं, आपने क्वेश्चन लिख लिया था ना, हाँ तो क्वेश्चन लिख लिया था आपने बस, ठीक है मैं सिर्फ आंसर लिख लिया। एक 1.5 मोल एसिड की बात है, ठीक है 1000 CM³ में थे, ACM³ में एक्स मोल हो गए, एक्स क्या आ गया 1.5 × 10⁻³ A। ठीक है सॉल्ट की बात करें 2 मोल थे 1000 CM³ में, BCM³ में एक्स मोल आ गए, एक्स में क्या आ गया 2 × 10⁻³। ठीक है पी एच जो है वो पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड है। जल्दी 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 5 मिनट में, पी एच इज 5.5, पी के ए की वही वैल्यू है 4.75, लॉग 4B/3A। ठीक है 5.66 4B/3A, आपको पता कि ए प्लस बी इज 100 तो बी इज 100 - A। ठीक है जब आगे आप आते हैं इसको आगे सिंपलीफाई करेंगे तो 600 - 4A = 16.98 A आ जाएगा। ठीक है इससे जब आप करेंगे तो A की जो वैल्यू है 28.59 आ जाएगी और जो B की वैल्यू है वो आ जाएगी 1। अच्छा और जो बी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 121.40। ठीक है तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी और आपका जो क्वेश्चन है वो अल्लाह के फजलो करम से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया अगले, अच्छा दैट जी अब जो अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है पीएच ऑफ ब्लड। ठीक है तो पीएच ऑफ ब्लड जो है वो क्या कहता है,
इसी टॉपिक पे थोड़ा सा हम पीछे थे तो तब मैंने बात की थी कि जो पीएच ऑफ ब्लड होता है ये 7.40 होता है, ठीक है। और ये भी बात की थी कि अगर ये जो पीएच है ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है तो बहुत से मसले खड़े हो सकते हैं, आपकी बॉडी बहुत खराबी हो सकती है। अब ये जो बाकी बायोलॉजिकल चीजें हैं ये आप अपनी बायो की टीचर से ही पूछ सकते हैं, मैं इसके ऊपर कॉमेंट नहीं कर सकता, कर रहा क्या, कर सकता भी नहीं कि आई हैव नो आइडिया। तो ये पीएच ऑफ ब्लड जो है इसको एक मेंटेन होना पड़ता है एक उस पर, और उसमें एक उस पे होना चाहिए एक फिक्स्ड वो है, और जो वो पीएच है हम उसको कहते हैं कि वो पीएच जो है वो 7.40 है, ठीक है। ये एक फिक्स पीएच है, ये ना चेंज होती है ना कुछ, ठीक है। अब इसके बारे में हम ये कहते हैं कि H2CO3 है आपके पास, H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव बनता है। ये जो है ये वीक एसिड है एक, और ये जो है ये कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। ठीक है, हम इस तरफ अगर जाएं तो आप एल्कलाई ऐड करते हो और इस तरफ जाएं तो एल्कलाई रिमूव करते हो, ठीक है। अब इस यहाँ पे वो बात आ जाती है कि ये जो H2CO3 है ये OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, और वो वाली बात जो हमने उसमें पीछे देखी थी, किसमें देखी थी, बफर सॉल्यूशन, हाँ जी। तो अगर उसमें वो करेगी तो H2CO3 प्लस ओ एच नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर, तो क्या होगा, HCO3 नेगेटिव प्लस H2O, और HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव H2CO3, H2CO3, ठीक है। और ब्लड के अंदर HCO3 नेगेटिव आयन्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। और सिमिलरली जो HCO3 नेगेटिव है इसमें आप एच पॉजिटिव ऐड करोगे तो ये H2CO3 हो जाता है, HCO3 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव जो है ये CO32 नेगेटिव प्लस H2O, ठीक है। तो ये बात आपने काफी जो है वो देखी थी। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि पीएच ऑफ ब्लड है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि 7.4 होती है। ये जो मैंने इक्वेशंस लिखवा दी कि H2CO3 OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करे तो जीरो क्या बनाएगा और ब्ला 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 वगैरह, तो ऐसी बातें। और इसके अलावा की जो अगर बातें हैं तो वो ये हैं कि आप इसमें वो जरूर इसको ना बुक से आप जरा देखिएगा। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कभी कभी, अक्सर आ जाता है, अक्सर नहीं आता है वो होता है, लेकिन इसको आप बुक से जरूर चेक करें। इसमें आप बुक का आपने इसको टॉपिक जरूर पढ़ना है, हर बच्चे ने पढ़ना है, ठीक है। और उसमें काफी जो है वो डिटेल जो है वो गिवन है, ठीक है। तो इसको बुक से जरूर आप देखिएगा। तो फिलहाल के लिए हम अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, और अगला टॉपिक जो है हमारे पास वो है टाइट्रेशन कर्व्स। अच्छा, हेडिंग लिखे टाइट्रेशन कर्व्स पे। टाइट्रेशन कर्व्स क्या होती हैं जी, बता सकता है कोई? जी बेटा, टाइट्रेशन कर्व्स होते हैं, ये पहले A2 का पार्ट थे और अब ये AS का पार्ट हो गई है, ठीक है। टाइट्रेशन कर्व्स पहले A2 का पार्ट थी, अब AS का पार्ट हो गया। आपने जब अभी मेजू में AS का पेपर दिया था तब ये AS का पार्ट नहीं थी, अब जो आगे 2023 में AS का पेपर कंडक्ट होगा ये उसमें आएंगी। तो जो लोग कॉम्पोजिट दे रहे होंगे उनके लिए ये AS में आएगी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो कोई इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आई थिंक ये वैसे एग्जामिनर को शौक होता है कि टॉपिक्स जो है वो इधर उधर करता रहता है, एग्जामिनर को नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजन पैदा हो जाती है हर बच्चे के लिए, और इसीलिए हम आगे जो है वो टाइट्रेशन कर्व्स को देखते हैं। जी टाइट्रेशन कर्व्स के बारे में हम क्या बात करते हैं, अच्छा, लिखने की मुझे लगा चाहिए जी।
जी टाइट्रेशन, टाइट्रेशन किस किस ने की है लैब में? जी वो तो आधे लोगों ने एग्जेम्पशन ली हुई थी तो उससे वो उन्होंने कहा की होगी इतनी नेक चीज। अच्छा जी टाइट्रेशन अप कर्व की बात करें तो आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, ठीक है ये क्या है? ये आप देख लें कि एक आपके पास जो है वो ग्राफ है और इसमें कुछ वैल्यूज गिवन है, 0 पे 13 है, 2 पे 12.97 है, 4 पे 12.86 है, ब्ला ब्ला ब्ला, आगे ऐसी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। और इसके ऊपर मैं दोबारा आऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर मैंने अभी दोबारा आना है, ठीक है, कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो टेबल बना हुआ है, इसे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ये देखें कि जब स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग एल्कलाई की टाइट्रेशन हो रही होगी तो पीएच रेंज ऑफ शेप राइज और फॉल ऑफ पीएच 3 से 11 होगी, ठीक है, और पीएच कोरिस्पॉन्डिंग टू एसिड 0.7 हो जाएगी, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एल्कलाई पर 3 से 7 होगी, और स्ट्रॉन्ग एल्कलाई वीक एसिड पर 7 से 11 होगी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है जी, कोई बता सकता है? अब बैठ ही जाती हैं आप, खड़ा होने बात बेटा आपने यहाँ पे ये ग्राफ देखा, ठीक है, आपने देखा कि यार यहां से लेके यहां तक कोई एकदम पीएच में चेंज आ रही है, ठीक है, आ रही है कि नहीं आ रही, एकदम पीएच डिक्रीज कर रही है, एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ आपने डाला है सब्सटेंस, ठीक है, आपने कम एसिड डाला है या एल्कलाई डाला है, जो भी डाला है वो आपने थोड़ा सा डाला है तो एकदम चेंज आ गई है पीएच में, ठीक है। और ये जो है आप देख सकते हैं कि ये चेंज कहाँ से तक है, ये 3 से 11 है, तो 3 से 11 की हमने क्या बात की थी कि 3 से 11 होगा, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कलाई की जो है वो टाइट्रेशन हो रही है, तो 3 से 11 आपने देखा कि हो सकता है, ठीक है। इसी तरह हम आगे ये जो है ये वर्टिकल रेंज होती है और इससे आपने देखना होता है कि आपको क्या चीज जो है किन दो चीजों की टाइट्रेशन हो रही है। अब इसके बारे में एक और बात मैं ये भी करता चलूं कि क्वेश्चन आता है जब पेपर में, सीआई में क्वेश्चन आता है जी कि आपको क्वेश्चन दिया होता है, आप सारा कुछ फाइंड करते हैं, सारा एक ग्राफ टाइट्रेशन कर्व बनाते हैं, ठीक है, फिर आप उसमें को ये भी बताते हैं कि यार ये किन दो चीजों की टाइट्रेशन हो रही है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कलाई किस चीज की है, वीक एसिड वीक एल्कलाई किस चीज की टाइट्रेशन है, आपने ये बताना होता है। अच्छा कभी कभी ये भी होता है पेपर में कि वो आपको ग्राफ दे देता है और पूछता है कि क्या ये बताएं कि भाई ये किस चीज की है, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे आगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो है ये किस तरह आपने उसको करना है। फिलहाल के लिए आप ये लिखिए कि जी द मिड पॉइंट ऑफ द रेंज इज पीएच कोरिस्पॉन्डिंग टू एंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट कोरिस्पॉन्डिंग टू एंड पॉइंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा बहुत सारी चीजें, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। बेटा ये आप देखें कि ये हमारे पास अब एक जो है वो टाइट्रेशन कर्व बना हुआ है। अब ये टाइट्रेशन कर्व हमें क्या बता रहा है कि यार ये देखो ये पॉइंट ए जो है ये इनिशियल पीएच ऑफ फ्लास्क थी आपके पास, ठीक है, और ये जो पॉइंट बी है तकरीबन कोई यहाँ पे है, ये आपके पास इनिशियल पीएच ऑफ ब्यूरेट थी जिसको आपने अप्रोच कर रहे हैं जिसको आप, ठीक है, और ये जो सी है ये वर्टिकल रेंज, ठीक है, ये क्या कर रही है वर्टिकल रेंज है, ठीक है, ये जो है आपको बता रही है कि यार तकरीबन ये है 3 से 7 है पीएच की चेंज तकरीबन, तो 3 से 7 हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एल्कलाई, ठीक है, ये है। तो आपने ऐसे जो है वो कभी कभी बताना भी होता है और करना भी होता है। अच्छा जी अब आगे आते हैं क्वेश्चन की तरफ से, क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी जो है वो ध्यान में कोई बात आए कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। एक सेकंड देना मुझे जरा।
गिव मी वन सेकेंड माय बेटा। क्वेश्चन ही निकाल रहा हूं आपके लिए। अच्छा जी, आपके पास क्वेश्चन ये है, इक्वेशन है NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। NaOH की जो आपके पास है वॉल्यूम वो 25 cm³ है, ये 10 cm³ है, ठीक है। मोल्स की बात की जाए तो 0.1 मोल जो है कॉन्सेंट्रेशन इसकी 1000 cm³, 0.1 मोल पर dm³ है। 25 cm³ NaOH है तो x मोल होंगे, तो x मोल कितने हो गए, 2.5 × 10⁻³। कॉन्सेंट्रेशन इसकी क्या थी, 0.1 मोल पर dm³। अच्छा, ये आ जाता है 0.0025, और ये 10 cm³, ये 0.1 मोल पर dm³ है NaOH, ठीक है। तो ये जो होगा ये 0.001 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 0.001, 0.001, ये भी 0.001, 0.001, ठीक है। 0.0015 काट दो, 0.001, 0.001, ठीक है। एक्स मोल में 1000 cm³ है, 35 cm³ जो टोटल वॉल्यूम है उसमें जो है वो आप कह रहे हो 0.0015 मोल है, तो एक्स में कितने हो जाएंगे, 0.0429 मोल पर dm³ आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई सोल्यूशन की। अब pH इज इक्वल टू -log OH, -log 0.0429 माइन, तो ये आंसर आ जाता है 1.36। pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, pH इज 14 माइनस 1.36, 12.63 आपके पास pH आ गई, ठीक है। बिल्कुल नहीं समझ आया, अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह, देखिएगा। समझ ना आई ना, बिल्कुल नाम बदल दीजिएगा मेरा। नहीं जी, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें। कह रहा है कि 1 मोल dm³ NaOH को स्लोली एडेड टू 10 cm³ ऑफ HCl सॉल्यूशन, ठीक है। ये वही क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, ठीक है। NaOH प्लस HCl, पूरी इक्वेशन लिखनी है, NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये A1 मोल पर dm³ है, ये भी 1 मोल पर dm³ है। 1 मोल में 1000 cm³ है, 0.01 मोल में xcm³ होंगे, ठीक है। ये 10 cm³, ठीक है। हाँ, ये 10 यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो x क्या होगा, 10 cm³ आ जाता आपके पास, ठीक है। 10 cm³ ये वाला। ठीक है, पीएच ऑफ फ्लास्क 0, पीएच ऑफ ब्यूरेट 14, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट 10 cm³। वर्टिकल रेंज क्या होगी, अब ये वी आर वर्टिकल रेंज है। वर्टिकल रेंज आप कैसे डिटरमिन करेंगे, आप अल्कलाई और एसिड को देखिए करेंगे। अल्कलाई और एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, स्ट्रॉन्ग अल्कलाई है NaOH, जिसकी वजह से
जो वर्टिकल रेंज है वो आपके पास होगी 3 से 11, ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आप कुछ ऐसे हो जाएगा इसका, नहीं सॉरी ऐसे नहीं हो जाएगा, तो कुछ ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप बस 10 आगे डालते रहो, वॉल्यूम डालते रहो, ये पीएच होगा, यहाँ से यहाँ पे कोई 3 होगा, यहाँ पे 11 होगा, और सबसे ऊपर 14 होगा, यहाँ पे 0, ठीक है, ऐसे 15 20, ठीक है, 5, ठीक है। तो ऐसे आपके पास जो है वो ये बन जाएगा सब कुछ, ठीक है। अच्छा अब मैं आपके साथ एक चीज जो है वो शेयर करना चाहता हूं। 2 मिनट्स प्लीज, 2 मिनट्स दें मुझे, अभी जो है वो आपके साथ शेयर हो जाएगी। आई एम श्योर बेटा आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो। अच्छा जी, मैंने ये स्क्रीन शेयर कर दी है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो हैंड रिटन लिखे हुए हैं, मेरी अपनी लिखाई है, इतनी प्यारी है देखने। अच्छा जी, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये हर टॉपिक जो हम करेंगे इंशाल्लाह, इक्विलिब्रिया का जो किया है और जो करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मौजूद, लेकिन बात यह है कि सिर्फ चंद क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नहीं है पास पेपर के। हर टॉपिक के कोई 3 या 4 या 5 मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, वो आप कर लें और उस तो आपके पास एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आप जब पास पेपर्स करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और इंशाल्लाह आप टॉप करेंगे इंशाल्लाह। तो बात यह है कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ईमानदारी के साथ ये क्वेश्चन जो है वो करते हैं, छाप के नहीं करने, देख के नहीं करने, ठीक है। अच्छा जी, ये आप देखिए कि ये हमारे मैंने एक टाइट्रेशन कर्व बनाया हुआ है, और ये ए बी सी डी मैंने 3 वैल्यू लिखी हुई है। ए पर मैं कहता हूं कि ये इक्वेशन है, ठीक है, और ये जो इक्वेशन है उसमें CH3COOH की 1 है, NaOH 1 है, ठीक है, ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.1, ये 0.1, ठीक है, ये काट गया, ये 0.9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.9 जो है वो ए पर हमने शो कर दिया, ठीक है। इसी तरह बी पर आप देखें कि हमने कहा कि 1 है 0.5, ये 0.5 0.5, ठीक है, ये 0.5 हो जाएगा, 0 ये 0 हो जाएगा, ये 0.5 ये 0.5, तो हमने वहां पर भी बी पर 0.5 हमने शो कर देना है, ठीक है। सी पर इसी तरह देखें, यहाँ पर भी 1 1 1 1, ठीक है, 1, तो ये 1 1 कैंसिल, 0 0 1 1, तो प्रोडक्ट्स पर ही 1 आ रहा है, तो सी पर आप देखिए कि हमने यहाँ पे 1 शो कर दिया। डी पर जो है वो 1 और 2 है, तो इसी तरह हमने डी पर क्या कहते हैं क्या शो कर दिया कि भाई यहाँ पर डी का पॉइंट जो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि ये, और ग्राफ टाइट्रेशन कर्व जो है वो ऐसे बना दिया, और इसकी जो वर्टिकल रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ठीक है, ये वर्टिकल रेंज होगी इसकी, ठीक है। अच्छा जी, गुड हो गया। जी ये वाला क्वेश्चन देखिए, टाइट्रेशन कर्व का ही क्वेश्चन है, मैं वापस प्रेजेंटेशन पर नहीं जाता, इधर ही आपको करा देता हूँ जी। 20 cm³ ऑफ 0.1 मोल पर dm³, ये क्वेश्चन एक ही दफा देख लें फिर मैं इसको वो कर दूंगा
हटा दूंगा ताकि मैं लिख सकूं। तो क्वेश्चन एक ही दफा देख। पढ़ लें क्वेश्चन, ट्राई भी कर रहे ना। बिस्मिल्लाह आप करें अगर आपको आता है। क्वेश्चन अच्छा जी, उसने कह दिया है, हमें बता दिया कि 50 cm³ की इक्वेशन लिख लो पहले। चल NaOH प्लस CH3 CO2H जो है ये आपको क्या देता है? CH3 CO2 Na प्लस H2O। ठीक है, दे दिया आपने इसको। 20 cm³ बस 0.1 मोल पर Dm³। मोल निकालने, 0.1 मोल रेड में लिख लेते हैं ना क्योंकि अब काम कर। 0.1 मोल जो है वो 1000 cm³ में है, तो 20 cm³ में एक्स मोल है। एक्स क्या आता है? 2 × 10⁻³ ऑफ NaOH। सिमिलरली 0.1 मोल 10 cm³, मोल 1000 cm³ में है, 10 cm³ में एक्स मोल। एक्स क्या क्या आती है? 1 × 10⁻³ आ गई। अच्छा जी, क्वेश्चन आपने सबने लिख लिया था तो मैं अब क्वेश्चन को वाइप आउट करने शुरू कर रहा हूं। मैं खोलता हूँ, वाओ खूबसूरत नहीं हो गया ब्लैक सा? अच्छा जी, आपने कह दिया कि यार ये NaOH है, ये Na पॉजिटिव बनाता है और OH नेगेटिव बनाता है। NaOH जो है इसके 2 × 10⁻³ है, तो OH नेगेटिव के भी इतने ही मोल्स होंगे। ठीक है, और इससे आप POH निकाल लेते हो, -log 2 × 10⁻³। क्या आता है? 2.7, POH 2.7। ठीक है, एक मिनट बता रहा हूँ। H पॉजिटिव 1.7 × 10⁻⁵ जो कि A की वैल्यू थी, और 0.1, ठीक है, 1.3 × 10⁻³। तो pH जो होती है वो 2.88 आ रही है। ठीक है, ओके। अब इसका जो है वो ग्राफ कैसे बनेगा? गया ये? अब इसका जो है वो आपने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ आप बनाएंगे। यहाँ पे लेबलिंग स्टार्ट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, और जो पीएच की स्टार्ट पॉइंट है वो 2 है, 1 2, यहाँ से 2.88। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे, ठीक है, वर्टिकल रेंज अब क्या है इसकी? तकरीबन ये है इसकी वर्टिकल रेंज जो है वो बन जाएगी। ठीक है, और इसकी वर्टिकल रेंज जो है वो तकरीबन 7 से 11 बनेगी। ठीक है, क्यों 7 से 11 क्यों बनेगी? क्योंकि एक आपके पास स्ट्रॉन्ग एल्कलाई है NaOH, और एक वीक है एसिड है CH3CO2H। ठीक है, तो इसलिए इसके पास जो है वो वीक वो बनेगी। पिक्चर ले लें जी इसकी आप।
अच्छा जी, हो गया हमारा टाइट्रेशन कर्व जो है वो यहाँ पे खत्म होते हैं, और अब हम अगले टॉपिक पर जो है वो चलते हैं। इंडिकेटर्स। जी बेटा, इंडिकेटर क्या होता है? यस बेटा, ए लेवल्स सॉरी ओ लेवल्स इंडिकेटर्स आप पढ़ते हैं कि यार कुछ चीजें होती हैं इंडिकेटर्स के नाम से। इंडिकेटर्स ऐसी चीजें होती हैं जो आपको आइडेंटिफाई कर देती हैं कि इस जो कोई भी एक सब्सटेंस है उसमें क्या चीज जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, इंडिकेटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके सिलेबस में नहीं है A2 के, ठीक है, ए लेवल्स की। सो डेफिनेशन पर गौर ना करें कि यार इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन आप लोग ओ लेवल्स में पढ़ाते हैं, एग्जामिनर वहां पर आपको पूछ लेता है, आप सही डेफिनेशन लिख देते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, बल्ले बल्ले, ठीक है ना। बस दैट इज इट फॉर योर इंडिकेटर वाली चीजें, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज देखें कि हमने इधर लिखा हुआ क्या है। ये कह रहे हैं कि फॉर एन इंडिकेटर टू वर्क द इंटायर रेंज ड्यूरिंग विच इट चेंजेस कलर मस्ट लाई कम्प्लीटली विद इन रेंज ऑफ शार्प राइज और फॉल ऑफ पीएच। ठीक है, आप ऐसा इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे जो चेंज तब बताए, वर्टिकल रेंज के दरमियान रेंज आपको कलर चेंज करके दिखाए, वर्टिकल रेंज से बाहर होगा तो आपको नहीं बताएगा। इसका क्या मतलब हुआ सुनिएगा। बेटा आप देखो कि ये 7 से 11 इसकी जो है वो चेंज चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा छोड़ो उसको, ड्राइंग के लिए माजरत। यहां से लेके यहां तक इसकी वर्टिकल रेंज है, ठीक है। मुझे बताओ यहां से यहां तक कितनी छोटी वॉल्यूमेट्री और कितना छोटा चेंज है पीएच। तो आप इंडिकेटर डालोगे आपको मजा आएगा, आपको नहीं मजा आएगा यार, आप कहोगे क्या रे क्या बकवास है, मुझे एक ऐसी रेंज बताओ, एक लार्ज रेंज में मैं कम वॉल्यूम डालूं और ढेर सारा जो है वो जो चेंज हो रहा हो पीएच चेंज हो रही हो, ठीक है। तो आप इसीलिए इंडिकेटर डालते हो तो आप कहते हो कि वर्टिकल रेंज बताइए, ठीक है। तो कलर चेंज आपने पहला पॉइंट देख लिया, फिर कह रहे कि द कलर चेंज मस्ट बी शार्प रेदर देन ग्रेजुअल, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज ना हो, तेजी से हो, जल्दी हो, फौरन हो, मिनटों सेकेंडों में हो, ठीक है। और कलर मस्ट चेंज विद अ सिंगल ड्रॉप, इतना तेज हो कि आप एक ड्रॉप डालो इंडिकेटर का और जो कलर है वो चेंज कर दे, ठीक है। अच्छा जी, ये टेबल है, अब आप एक देखें और कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे गिवन है और ये कह रहे हैं कि पीएच रेंज फॉर कलर चेंज कब है। सो पहला वाला जो मिथाइल ऑरेंज है ये 3.1 से 4.4 पीएच रेंज में कलर चेंज करता है। मिथाइल रेड 4.2 से 6.3, ब्रोमोथाइमोल ब्लू 6 से 7.6, फिनॉल रेड 6.6 से 8, थाइमोल ब्लू 9.1 से 9.6, फिनॉक्सिलिन 8.2 से 10, ठीक है। अब आप गौर करें, अगर आप गौर करें तो बीच में एक कॉलम मैंने खाली छोड़ा हुआ, ये मैंने क्यों खाली छोड़ा हुआ? हाँ, अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सूटेबल फॉर टाइट्रेशन। अब आपने बताना है कि क्या चीज सूटेबल फॉर टाइट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं ए बी सी, नाम बड़े हैं तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते पूरा लिखना, जगह कम है। ए जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली है, बी जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एल्कली है, और सी जो है वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाई वीक एसिड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कलाई वर्टिकल रेंज 3 से 11, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एल्कलाई 3 से 7 वर्टिकल रेंज, इसकी 7 से 11।
अब आपने बताना है, पहला वाला मिथाइल ऑरेंज कौन सी चीज इसके लिए सूटेबल है, कौन सी टाइट्रेशन सूटेबल है, ए बी या सी, कौन सी? क्या बात जी, ठीक है आपने ए और बी, क्योंकि ए और बी की जो वर्टिकल रेंज है, ए की 3 से 11 और बी की 3 से 7 है, तो वो कलर सिर्फ इसमें चेंज करेगा, और उस मिथाइल ऑरेंज की 3.1 से 4.4 है, हेंस ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, सी काम नहीं करेगा, क्योंकि सी की जो वर्टिकल रेंज है वो 7 से 11 है, आपको पीएच रेंज 3.1 से 4.4 चाहिए। बी वाला देखें, 4.2 से 6.3 कौन सा काम करेगा? यस अगेन ए और बी, शाबाश, ए और बी, सी काम नहीं, क्यों नहीं करेगा? वही रीजन जो पहले वाले, वर्टिकल रेंज उसकी बहुत आगे, ये पीछे रेंज दे रहा है। ब्रोमो ब्रोमोथायमोल ब्लू कौन सा देगा? 6 से 7.6, शाबाश, ए देगा, क्योंकि ए की वर्टिकल रेंज 3 से 11 है, और बी क्यों नहीं देगा? 3 से 7 है, वो वर्टिकल रेंज ऊपर चली जाती है, तो सिर्फ ए, ना बी ना सी। इसी तरह फिनॉल रेड 6.6 से 8, सिर्फ ए, ना बी ना सी। थायमोल ब्लू 9.1 से 9.6, कौन सी? 3 से 11 देगा, 9 3 से ऊपर है, 11 9.6 11 से नीचे है, तो ए जो है वो ए दे रहा होगा, ठीक है। बी देगा नहीं, क्योंकि बी 3 से 7 है, हमें 9.1 से 7 जो है वो, 9.1 जो है वो 7 को ही एक्सीड कर रही है, तो वो बहुत बाहर चली जाएगी, तो बी नहीं देगा। सी देगा, क्योंकि सी जो है वो 7 से 11 है, और 9.1 से 9.6 की जो रेंज है वो 7 से 11 के दरमियान है, सो सी दे रहा होगा। फिनोफ्थेलीन 8.2 से 10 क्या देगा? सेम ए और सी, शाबाश, दैट इज इट बेटा फॉर इंडिकेटर्स। यहाँ पे इंडिकेटर्स जो हैं वो खत्म हुए चाहते हैं, ठीक है, ये छोटा सा इंडिकेटर का टॉपिक था। अगले टॉपिक पर आते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या, हमने क्या क्या पढ़ लिया? एएस से देखिए, केसी पढ़ लिया, केपी पढ़ लिया, A2 में है केडब्ल्यू पढ़ लिया, ठीक है, के ए पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? केएसपी। केएसपी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इट इज अ प्रोडक्ट, डेफिनेशन देखिए, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एट 298 केल्विन रेज टू द पावर ऑफ देयर रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ईच आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेट, सॉलिबिलिटी क्या डेफिनेशन ये बना। हाँ आप हम बोले वैसे कर रहे हैं, सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? देखें सॉलिबिलिटी की जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन क्या बताएं, सिंपल बात बताएं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है ना उसको सॉलिबिलिटी कहते हैं, ठीक है, दैट इज इट। अच्छा ये हमने देख लिया केएसपी क्या है, इक्वेशन लिखिए, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, वो होता है CO2, CA2 पॉजिटिव बनाता है, CO32 नेगेटिव एक्वस में बनाता है, और CO3 सॉलिड होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि पहले आपके पास एक सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है और ये सॉलिड है, ठीक है, उसके बाद जो होता है ये सॉल्यूशन में होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, ये ऐसा हो गया, डिसॉल्व हो गया, ठीक है, पहले डिसॉल्व नहीं था, नाउ इट डिसॉल्व, और ये जो डिसॉल्व होता है तो ये आयन्स बनाता है CA2 पॉजिटिव और CO32 नेगेटिव, ठीक है। और अब ये जो आपने कहा इधर के ये इक्वेशन है, इसका केसी लिखो, इसका जो केसी होगा वो CA2 पॉजिटिव CO32 नेगेटिव होगा, ठीक है, CaCO3 होगा, सॉलिड है, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, सॉलिड किसी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है? नहीं होती ना, तो केसी की ये होगी, और ये जो केसी है, ये केसी, ये के
जी, तो ये जो केसी है, CaCO3 सॉलिड है, तो ये सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, तो आप जो है वो इसकी इसको खाते में नहीं डालते, ठीक है। और ये जो केसी है इसको हम KSP कहते हैं, जो कि हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो वो है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, ये आप इसको पढ़ लीजिए प्लीज। कॉमन आयन इफेक्ट है, इट इज अ रिडक्शन इन द सॉलिबिलिटी ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट अचीव बाय एडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड व्हिच हैज एन आयन इन कॉमन विद द डिसॉल्व सॉल्ट। दिस ऑफन रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इसको हम कैसे वो कर देते हैं कि आपके पास सिल्वर क्लोराइड है सॉलिड, रिवर्सिबल रिएक्शन का Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक्वस बन रहा है, ठीक है। इसको प्लीज नोट कर लीजिए कॉमन आयन इफेक्ट को। फिर आगे चलते हैं, और जो हमने सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। इसको प्लीज नोट कीजिए। कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जी। ये पहला क्वेश्चन कीजिए, बड़ा मेहरबानी आपकी। ट्राई करें, पहला क्वेश्चन है तो मैं खुद करवा देता हूँ। ट्राई हम ये करते हैं कि आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में, Ca2 एक्वस आयंस में आपने इसको कर दिया CO3 नेगेटिव। अब CaCO3 एक्वस है, इसको Ca2 पॉजिटिव एक्वस प्लस CO3 नेगेटिव एक्वस। द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO3 इज 6.94 × 10⁵। ये वन है, वन है, वन है, तो ये भी यही होगा। ये -5। अच्छा, KSP will be Ca2 positive, CO3 2 negative, 6.9 into 10⁵ square। आंसर आ जाता है 4.76 into 10⁻¹⁹ मोल स्क्वायर Dm-6। ठीक हो गया, अंडरस्टूड हो गया। अच्छा, टॉपिक आने एक फॉर्म। बस थोड़ा सा रहता है, ये कीजिए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड क्लोराइड एट 298 केल्विन 0.016 मोल Dm3। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट दिस टेम्परेचर। आपके पास PbCl2 सॉलिड है, इसे आपने बना दिया Pb2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक्वस एक्वस। PbCl2 एक्वस Pb2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Cl नेगेटिव एक्वस। ये 0.016 है, ये 0.016 होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये 2 है, ये 1 है, इसको डबल कर दीजिए, 0.03
टू, ठीक है, के एस पी विल बी पी बी टू पॉजिटिव स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, सी एल नेगेटिव स्क्वायर, ठीक है, 0.016, 0.032 स्क्वायर, आंसर विल बी, क्या आता है आंसर, माइनस, और यूनिट स्मॉल क्यूब डीएम माइनस, ठीक हो गया, समझ आ गया सब कुछ, गुड हो गया। ये करिए प्लीज, इसको अब आप खुद ट्राई करें। जी, आपने इसको खुद ट्राई किया और आपने ये ट्राई करिए खुद, देखते हैं आप। इक्वेशन लिखेंगे पहले आप, शाबाश, क्या इक्वेशन आती है, Ca3PO4 टू 3Ca2 पॉजिटिव प्लस 2PO4 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, ठीक है, ये सॉलिड था, ये एक्वस हो गया, ये भी एक्वस, ठीक है, Ca3PO4 टू 3Ca2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2PO4 3 नेगेटिव, ठीक, अब एक चीज प्लीज बच्चा एक बात याद रखें, अगर आप नोट करें तो ये 7.7 × 10 इसका -4 ग्राम पर डीएम को, हमें मोल पर डीएम चाहिए, तो क्या करेंगे, एमआर से डिवाइड करेंगे, 7.7 × 10 इसका -4/3 10, ये आता है 2.48 × 10 इसका -6, ये 2.48 × 10 इसका -6 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो यहाँ पे जो आता है क्या आता है, 7.45 × 10 इसका -6, और ये आता है 4.96 × 10 इसका -10, तो हेंस के एस पी विल बी 17.45 × 10 इसका -6, 4.96 × 10 इसका -6, आंसर आता है 1.02 × 10 इसका -26 मोल 5 dm-15, चेक करिए ये आंसर, आप किस किस का ये आंसर आ गया, हाँ एक सॉरी हमने एक चीज मिस कर दी, ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, फिर ये आंसर आता है, उससे तो 3.67 × 10 इसका -7 आ रहा है, जैसे हम साफ़ था, जी इधर क्यों है ये, क्वेश्चन कीजिए प्लीज, इसमें क्या है, टोटल सॉलिबिलिटी इन मोल ऑफ, अब सॉलिबिलिटी फाइंड करनी है, इफ इट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट किया हुआ, ठीक है, आपके पास AgCl है सॉलिड में, आप कहते हो Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक्वस है दोनों, AgCl सॉलिड, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो यानी कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एक्स है, एक्स है, ठीक है, के एस पी एक्स एक्स हो जाता है, के एस पी 1.8 × 10 इसका -10 एक्स स्क्वायर, एक्स जो आ जाता है 1.34 × 10 इसका -5 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक हो गया, सबका यही आंसर आता है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
ये क्वेश्चन कीजिए, सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन वीडियो। मैं लिखते हूँ, अच्छा Ag2s सॉलिड, 2Ag पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव, एक्वस में है, एक्वस Ag2s एक्वस 2Ag पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव एक्वस, ठीक है, ये एक्स है, ये 2x हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। केएसपी है 2x फिर स्क्वायर रूट और फिर एक्स। केएसपी 6.3 न्यूटन इज पर -50 4x2। एक्स की आंसर क्या आता है फाइंड करके बताएं जरा। फोर एक्स क्यूब है, थैंक यू बेटा, आप इसका आंसर आता है 2.506 इंटू 10 रेज पर -17 6 बना लिखेंगे मोल पर डीएन क्यूब, ठीक हो गया, सबका आंसर आ जाता है। अच्छा यहाँ पे ये चीज जो है वो कॉमन आयन और केएसपी खत्म होता है, और अब जो है वो एक नई चीज शुरू होती है, उसका नाम है केपीसी। केपीसी क्या होता है? केपीसी इज द पार्टीशन कोएफिशिएंट, पीसी पार्टीशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट के बारे में हम क्या कहते हैं, प्लीज ये लिख लिए, यस प्लीज राइट इट डाउन। The ratio of the concentrations of a solute in two different immiscible solvents when an equilibrium has been established. ठीक है, जैसा कि पहली एग्जाम्पल एक लिखी भी है हमने डाल के, वो क्या है कि एक्स सॉल्व, एक एक्स डाला है आपने सॉल्व एक सॉल्वेंट में और एक्स ही डाला है दूसरे सॉल्वेंट। सिमिलरली हम ऐसे कहते हैं कि हमारे पास ये आपके पास दो लिक्विड्स हैं, एक जो है हेक्सेन है और एक जो है वो वाटर, ठीक है। अब इन दोनों में आपने आयोडीन डाल, आपने दोनों में आयोडीन डाल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने हेक्सेन में भी आयोडीन डाल दिया और वाटर में भी आयोडीन डाल दिया, तो अगर आपको इसकी पार्टीशन कोएफिशिएंट चाहिए होगी तो आप लिखोगे आयोडीन किसमें डाला, हेक्सेन में, और आयोडीन वाटर, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा अब आगे आते हैं वापस जहां पर हम थे, ये लिखिए अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं जी। तो पहली टाइप है कॉन्सेंट्रेशन दैट इक्विलिब्रियम इन बोथ सॉल्वेंट्स आर गिवन, फाइंड केपीसी। दूसरा क्वेश्चन टाइप आता है टोटल मोल्स और ग्राम्स इन द सिस्टम आर नोन, टाइट्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इन वन सॉल्वेंट बोथ सॉल्वेंट्स, फाइंड केपीसी। तीसरा पार्ट तीसरे में याद है कि केपीसी इज नोन, टोटल मोल्स और ग्राम्स आर नॉन, और हम उनको हम ए कह देते हैं। अज्यूम एक्स इज नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम्स इन सॉल्वेंट वन,
इफ नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट टू जो होते हैं वो ए माइनस एक्स हो जाते हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वन इज वी वन, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट टू इज वी टू, तो केपीसी की जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगी वो ये हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस अब आपने देखने हैं कि कौन सी हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चंस प्लीज देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि If iodine is shaken with 100 cm cube of water and 100 cm cube of an organic solvent, the concentration of iodine in the water layer is 4 into 10 raised power minus 3 mole per dm cube, and in the organic solvent is 1 into 10 raised power minus 2 mole per dm cube. Calculate KPC for iodine between OS, ये OS जो है organic solvent है और water, ठीक है? तो अब इसको solve करना है आपने, ठीक है? पहला question है तो मैं खुद आपको करवाता हूँ। आप लिखोगे केपीसी इक्वल्स टू आयोडीन आयोडीन। अब कौन सी चीज ऊपर आएगी, कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऊपर आएगा या वाटर ऊपर आएगा, ये बता सकते हैं? जी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऊपर आएगा। क्यों? कैलकुलेट केपीसी फॉर आयोडीन बिटवीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड वाटर। तो बिटवीन पहले क्या आया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फिर वाटर, जो पहले आया वो ऊपर आएगा और जो बाद में आया वो नीचे आएगा। ठीक है, इसकी क्या है आयोडीन की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में 1 × 10⁻², 1 × 10⁻²² मोल पर डीएम क्यूब, और आयोडीन वाटर में क्या है 4 × 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो जाते हैं और आंसर जो है वो 2.5 आ जाता है। हेंस हम ये कह सकते हैं कि केपीसी हैज नो यूनिट्स, ये भी साथ में थी कि केपीसी के कोई यूनिट्स नहीं होते। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है इसको आप लिख लें। इसको लिखने फिर मैं अभी आपके साथ सॉल्व कर। ठीक अच्छा जी, ये भी मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, आप घबरा क्यों रहे हैं, लिख लिया आप सब, अभी क्वेश्चन चल जाने वाला है। ठीक है, हाँ नहीं आ गया, फुल ब्लैक आउट हो गया। ठीक है, ये पूरी क्लास बनाइए, मैं आपके बैठ। अच्छा जी, अब आपने केपीसी फाइंड करना, क्वेश्चन ने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन 4 है, तो आप कहो कि टोटल मोल जो है वो 4 है और जो 4 मोल हैं वो स्प्लिट होंगे हेक्सेन में और वाटर में। ठीक है, हेक्सेन में जब स्प्लिट हो जाएंगे एक्स हो जाएंगे, वाटर में 4 − x हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब केपीसी 2.5 था, ठीक है। अच्छा, हेक्सेन का जो वॉल्यूम है वो 100 cm क्यूब है और वाटर का जो वॉल्यूम है वो 50 है। ठीक है, तो अब केपीसी आयोडीन हेक्सेन में, आयोडीन वाटर 2.5, आयोडीन हेक्सेन में एक्स ओवर 100 इंटू 50/4 − 5। अब प्लीज कोई ये ना पूछे कि ये कहाँ से आया। x/100 था ओवर 4 − x / 50, x/100 था डिवाइडेड बाय
4 माइनस x ओवर 50 था, x ओवर 100 मल्टीप्लाई में आ गया तो उल्टा हो गया। ठीक है, ये सबको आता है ना। हाँ जी, तो अच्छा जी, ये हो गया। अब 2.5 एलसीएम ले लेंगे 50x, वो 100 4 माइनस x। ठीक है, 2.5 400 माइनस 100x इक्वल्स टू 50x। ठीक है, 1000 माइनस 250x इज 450x। 1000 इक्वल्स टू 300x, x इज 3.33। ठीक है, तो हेक्सेन जो है वो 3.33 है, मोल जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है, तो वाटर जो हो जाएगी वो 0.67। इससे आप ये डिड्यूस करोगे कि इसकी हेक्सेन जो है इसको करके आप निकाल लोगे कि 33.3 मोल पर DM³, और इसकी जो है ये 13.33 मोल पर DM³ जो है वो आ जाती है। ठीक है, ये आपको अंडरस्टूड हो गया। गुड, हो गया, चला गया जवाब। ठीक है, इसी तरह आप सिमिलरली ये क्वेश्चन करें। आप ये पहला क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं कि टाइप हुआ क्यों नीचे, ये इसलिए टाइप हुआ है क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन मेरा हैंड रिटन हाथ से लिखने का दिल नहीं कर रहा था। इसको प्लीज सॉल्व कीजिए, अभी देखता हूँ आप क्या करते हैं, फिर मैं आपके साथ दोबारा। ये बेटा क्वेश्चन पढ़ें, 100 cm³ और 0.1 मोल पर DM³ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस वाज शेकन विद 50 cm³ ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड लेफ्ट इन अ सेपरेटिंग फनल फॉर इक्विलिब्रियम टू बी एस्टैब्लिश्ड। 20 cm³ पोर्शन ऑफ द एक्वस्लेयर वाज रन ऑफ एंड टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.2 मोल पर DM³ ऑफ डाइल्यूट HCl। द एंड पॉइंट वाज फाउंड टू बी 9.4 cm³ ऑफ एस। व्हाट इज द पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ अमोनियम बिटवीन दीस टू सॉल्वेंट्स। उसने कहा कि यार आपके पास थी, एक में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था, एक में जो था वो अमोनियम था। ठीक है, अमोनियम से आपने निकाल लिया, माशाल्लाह अमोनियम से आपने जो है वो 20 cm³ ऑफ पोर्शन जो था एक्वेस्टर वजन ऑफ टेंटेटेड अगेंस्ट 0.2। ठीक है, ये आपने कर दिया। ठीक है, ये आपने 20 cm³ पोर्शन जो था वो यहाँ से इस सारे इसमें से किससे सही निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया, अब आगे जो है वो सॉल्व करने पर मैं आता। क्वेश्चन लिख लिया, अच्छा उसी तरह का एक ब्लैक आउट कर देते। सबसे पहले आप कहते हो कि टोटल मोल्स ऑफ NH3 जो थे वो कितने थे, 0.01 मोल्स। ठीक है, और आपने कहा था कि NH3 + HCl ये ऐड करती है NH4Cl बनाते हैं। ठीक है, अमोनिया आपने 20 cm³ जो था वो निकाल दिया था। ठीक है, और HCl कितना था, 0.2
मोल पर डीएम क्यूब और 9.4 सीएम क्यूब, ठीक है, 0.2 मोल 1000 सीएम क्यूब में थे, 9.4 सीएम क्यूब में एक्स मोल हो जाएंगे। एक्स क्या था? 1.88 इंटू 10^-3 मोल्स ऑफ एच सी एल। ट्वेंटी सी एम क्यूब थे, 1.88, इसके 1.88 इंटू 10^-3 है तो इसके भी इतने ही होंगे। -3 एक्स सी एम मोल्स हैं, एक्स मोल मोल फाइंड करें जब 100 सी एम क्यूब, एक्स इज 9.4 इंटू 10^-3 मोल्स, ठीक है, 0.01 टोटल मोल्स थे, 9.4 इंटू 10^-3 जो थे वो एक में थे, और 0.01 माइनस 9.4 इंटू 10^-3 थे। इसका जो था वो वॉल्यूम जो था वो 100 था, 100 मोल, और इसका जो था वो 50 था, ठीक है। अब जो है वो आपने इसको अब आपने इन दो वैल्यूज को लेके केपीसी निकालना है, ठीक है। तो केपीसी क्या होगा? केपीसी विल बी 9.4 इंटू 10^-3 ओवर 100 करें तो इसका ये आता है 9.4 इंटू 10^-5, ये नीचे आएगा, और 0.01 माइनस 9.4 इंटू 10^-3 डिवाइड बाय 50 करें तो आना चाहिए 1.2 इंटू 10^-5। इसका जी आंसर क्या आता है, जल्दी से निकाल के मुझे बताऊँ? मुझे याद नहीं, छः छः क्लासों में यही करवाते हैं, याद हो गया। 0.128। सो केपीसी की जो आपके पास वैल्यू आई है वो है 0.128, ठीक है। सब इससे इत्तफाक करते हैं, इत्तफाक की राय हो गई। अच्छा हो गई इत्तफाक की राय। अच्छा ओके कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर द आपका जो है वो इक्विलिब्रिया यहाँ पर खत्म होता है। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने कितनों के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई नो ये बहुत ज़रा लंबा लेक्चर था, आप लोग काफी भी बोर हो गए होंगे अब तक, लेकिन ये बहुत जरूरी है, और ये छोटे ऐसे चैप्टर्स होती हैं जो आपको फ्री के मार्क्स दिलवा सकती हैं, तो इस पर गौर करना और ज्यादा टाइम लगाना जो था वो इम्पोर्टेंट था। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो आप प्लीज आगे करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और हर आने वाली वीडियो का पता लग सके। थैंक यू एंड अल्लाह।